हाय बच्चा पाड़ी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक। और आज के लेक्चर में आपको मिलने वाला है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पूरा चैप्टर, एंड पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है। आई विल ट्राई टू कीप दिस लेक्चर एज शॉर्ट एज पॉसिबल। मैं ट्राई करूंगी कि 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर हम खत्म कर दें, ताकि ये चैप्टर का एक ये सेशन जो है वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए। एंड बिफोर बिगनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंसेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं आपको इस चैनल शुभम पाठक पे क्लास 10 की पूरी एसएसटी और बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। सो या लेट्स प्रोसीड मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन आप हिस्ट्री में ही नहीं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि दुनिया छोटी होती है। दुनिया छोटी कैसे होती है? एरिया वाइज छोटी नहीं होती है, क्योंकि दुनिया में ट्रेडिंग होती है, दुनिया में फ्लो बनता है, चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, सामान एक्सचेंज होता है, कैपिटल एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होती है, लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, कभी जॉब के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, और इसी सब को क्या बोलते हो आप? ग्लोबलाइजेशन बोलते हो। तो इकोनॉमिक टर्म्स में बोलो, कल्चरल टर्म्स में बोलो, दुनिया में जब किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होता है तो वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन जाता है। इनफैक्ट अभी हम पैंडमिक एरा में रह रहे हैं। कोविड-19 एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया? कोविड-19 पैंडमिक बना कैसे? एक एक ही कंट्री से शुरू हुआ था, तो बाकी कंट्रीज में फैला कैसे? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है बच्चा, ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से सामान का माइग्रेशन हो रहा है, लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट, राइट? कैपिटल यानी कि पैसे का मूवमेंट हो रहा है। ह्यूमन सोसाइटीज हमेशा से आपस में इंटरलिंक्ड रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे और ज्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है, और ज्यादा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो घर पे बैठे बैठे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कहीं का भी सामान मंगा सकते हो। तो ऐसा पहले नहीं होता था ग्लोबलाइजेशन, लेकिन एंशियंट टाइम्स में भी ट्रैवलर्स, ट्रेडर, प्रीस्ट यानी कि रिलीजियस लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर किया करते थे, और अपने साथ पैसा, सामान, नॉलेज, स्किल, इन्वेंशन, जर्म्स और डिसीज लेके भी चलते थे। प्रिंट कल्चर चैप्टर में आप देखोगे कि कैसे प्रिंट की नॉलेज एशियन कंट्रीज से यूरोप पहुंची थी मार्को पोलो के साथ। तो ये इंसान ही तो था जो एक जगह से दूसरी जगह गया, तो अपने साथ नॉलेज लेके गया, है ना? इसके कुछ हमें प्रूफ भी मिले। 3000 BC, मतलब इतने पुराने टाइम की भी बात करोगे तो आपको एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्स देखने को मिलते हैं उस जमाने की इंडस वैली सिविलाइजेशन और आज के वेस्ट एशिया के बीच में। इनफैक्ट कॉरीज, कॉरीज का मतलब होता है सी शेल्स, जो आपको बीच पे सी शेल्स मिलते हैं ना, वो जो है पैसे की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। अब वो करेंसी की तरह मालदीव्स में भी इस्तेमाल होते थे, चाइना और ईस्ट अफ्रीका में भी इस्तेमाल होते थे। मतलब मालदीव्स, चाइना और ईस्ट अफ्रीका के बीच में कोई ना कोई संबंध तो था ही, तभी तो इस्तेमाल होते थे, है ना? सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ माइग्रेशन, दिस इज अ प्रूफ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ हम इस चैप्टर में मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में अलग अलग टाइम का जो ग्लोबलाइजेशन है उसे कैप्चर करने वाले हैं। पूरा फिनोमेना ग्लोबलाइजेशन का एक साथ पढ़ना तो है ही नहीं पॉसिबल, इसीलिए हम इस चैप्टर में ब्रीफ में सिल्क रूट के टाइम का पढ़ने वाले हैं, हम 18वीं 19वीं शताब्दी का पढ़ने वाले हैं, फिर हम 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ने वाले हैं, फिर हम पोस्ट वॉर इकोनॉमी यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ब्रीफ में ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में भी नहीं दिया है, बट क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा है तो हम लोग इसे ही कवर कर ले, उतना ही बहुत है। सिल्क रूट की बात करते हैं। देखो बच्चा, जब मैं बोलती हूँ सिल्क रूट या सिल्क रोड, तो उसका मतलब कोई एक रोड नहीं है। जैसे जीटी रोड एक रोड होती है, वैसा सिल्क रोड एक रूट नहीं था। सिल्क रूट एक पूरा ट्रेड का नेटवर्क था। ये ट्रेड का नेटवर्क एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता था। इंडिया और चाइना इसके सेंट्रल पार्ट्स हुआ करते थे। सिल्क रूट की बदौलत इंडिया और चाइना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज में आया करते थे जब तक दुनिया में सिल्क रूट एग्जिस्ट करता था। 15वीं शताब्दी तक इंडिया और चाइना वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट कंट्रीज में भी आया करते थे। इंडिया पर्शिया से कनेक्टेड था, इंडिया अरेबिया से कनेक्टेड था, ग्रीस से कनेक्टेड था, इटली से कनेक्टेड था, अफ्रीका से कनेक्टेड था, ऑल थैंक्स टू द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट में क्या ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरी जगह? ऑब्वियसली उस जमाने में नॉलेज और टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो कमोडिटी ज़्यादा चीज़ें जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स ज़रूर जाते थे, रॉ मटेरियल ज़रूर जाता था। जब लोग जाते थे, जब ट्रेडर्स जाते थे, मर्चेंट्स जाते थे, तो वो अपने साथ सामान भी लेके जाते थे, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इसका। हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया है कि बहुत तरीके के सिल्क रूट होते थे। मैं फिर से बता रही हूँ, सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं था, इट वॉज अ नेटवर्क ऑफ रूट्स। इस नेटवर्क में लैंड के रूट्स भी आया करते थे, सी के रूट्स भी आया करते थे, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट किया करते थे। क्रिश्चियन एरा से पहले से सिल्क रूट एग्जिस्ट करता है और 15वीं शताब्दी तक एग्जिस्ट किया है, और इसी की बदौलत इंडिया में इतना सारा धन एकत्रित हो पाया था।
अच्छा, सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट क्यों रख दिया था पता है? क्योंकि सिल्क रूट में वैसे तो बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हुआ करता था चाइना का सिल्क, जो पूरी दुनिया में मांगा जाता था, पूरी दुनिया में फेमस हुआ करता था, इसलिए इसका नाम ही उस पर पड़ गया। चाइना के सिल्क के साथ चाइना की पॉटरी बहुत फेमस हुआ करती थी, यानी कि मिट्टी से बना हुआ सामान, मिट्टी के बर्तन, टेक्सटाइल फेमस हुआ करता था, इंडिया के मसाले फेमस हुआ करते थे, जो एशिया से यूरोप में खूब ट्रेडिंग के जरिए जाया करते थे। एंड इन रिटर्न इंडिया जो है यूरोप से सोना और चांदी मंगाया करता था। तो ये बहुत ब्रीफ में दिया है, बट यू अंडरस्टैंड कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या सामान लेके जाया करते थे। ऑब्वियसली लोग जब जाते थे तो सिर्फ अपने साथ सामान नहीं लेके जाते थे, लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, लोकल रिलीजन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। आप देखते हो कि क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, स्टार्ट यूरोप से हुआ था लेकिन वो एशिया में भी देखने को मिलता है। इस्लाम भी अगर आप देखते हो तो अरेबियन कंट्री से स्टार्ट होके पूरी दुनिया में फैला हुआ दिखता है, ऑल थैंक्स टू द सिल्क रूट। सिमिलरली बुद्धिज्म जो है पहले मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता था, अभी पूरी दुनिया में इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, पूरी दुनिया में फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं। बुद्धिज्म कैसे ट्रैवल किया? वो भी ईस्टर्न इंडिया से या एशियन कंट्री से ट्रैवल किया थ्रू सिल्क रूट। तो कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है, सोसाइटियल एक्सचेंज भी हो रहा है, और ट्रेड्स तो हो ही रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के। नाउ क्या खाना ट्रैवल करता था एक जगह से दूसरी जगह? द आंसर टू दैट इज एब्सोल्युटली यस। खाना भी ट्रैवल करता था, दोनों तरीके का खाना ट्रैवल करता था, पका हुआ खाना भी ट्रैवल करता था, यानी कि रेडी रेडी टू मेक खाना भी ट्रैवल करता था, और जो है कच्चा रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी खाना ट्रैवल करता था। अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लो मैं सिल्क रूट के ज़माने की ट्रेडर हूँ, तो मैं अपने साथ अपना लोकल खाना भी तो लेके जाऊंगी ना। मैं जिस कंट्री में ट्रेड करने जा रही हूँ, क्या पता मुझे उस कंट्री का खाना ना पसंद आए, है ना? तो मैं अपने साथ खाना भी लेके जाऊंगी। इसी तरीके से आज जो आप अपनी प्लेट पर कई सारा खाना देखते हो, वह एक्चुअली हमारी इंडियन कंट्रीज में देखने को ही नहीं मिलता था, एशियन कंट्रीज में देखने को ही नहीं मिलता था 50 साल पहले तक भी। 50 साल पहले, 500 साल पहले, अलग अलग खाना हमारे देश में अलग अलग टाइम पे आया है। तो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जब घूमते थे तो अपने साथ खाना भी लेके जाते थे, क्रॉप्स भी लेके जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का जो आपका नूडल्स है वो पास्ता की तरह कहलाता है, और स्पेगेटी कहलाता है आपका इटली और अरेबियन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि ये ट्रैवल किया है, नूडल्स ही ट्रैवल करके पास्ता बन गया या स्पेगेटी बन गया, है ना? सिमिलरली इंडिया और जापान में भी कई सारा खाना ऐसा है जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट आप 500 साल पहले अपने एंसेस्टर्स को उठा के देखोगे ना, कैसे उठाओगे, दे ऑल हैव डाइड, बट हमारे 500 साल पहले तक के भी जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने पटेटो, सोया, ग्राउंडनट, मक्का, टमेटो, चिली, स्वीट पटेटो, शकरकंदी, ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल शायद देखे भी नहीं थे, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का एक रिजल्ट है, राइट? तो यूरोप ने और एशिया ने बहुत सारा खाना एक्सचेंज किया है थ्रू सिल्क रूट, एंड इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस का। देखो, अमेरिका दुनिया में एग्जिस्ट करता है ये ना तो एशिया को पता था ना यूरोप को पता था। 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में गलती से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया, और जब अमेरिका को डिस्कवर किया तो एक नया राज खुला दुनिया के सामने, क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसी क्रॉप्स थी जो बाकी दुनिया में पाई ही नहीं जाती थी। तो वहां से भी बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन को पुश मिला, राइट? इन फैक्ट मेनी ऑफ आर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग हुआ करते थे ना, जिन्हें अमेरिकन इंडियंस बोला करते थे, वो जो क्रॉप्स खाया करते थे, वो आज दुनिया में इतनी ज्यादा फेमस हो गई हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो बड़ा दुखद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का नाम है आयरिश फमीन। आयरिश फमीन आप जानते हो बच्चा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ ब्रिटेन नहीं आता है, सिर्फ इंग्लैंड नहीं आता है, और भी बहुत सारी जगहें आती हैं। आयरलैंड आप जानते हो, आपने सुना भी होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको पढ़ाया था। आयरलैंड की बात करते हैं। देखो, उस जमाने का जो यूरोप है ना, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, यूरोप में भयंकर गरीबी हुआ करती थी, भयंकर पॉपुलेशन हुआ करती थी। इतनी ज्यादा लोग हुआ करते थे कि उन सारे लोगों को मीट अवेलेबल कराना, जो उनके प्राइमरी डाइट था, प्राइमरी खाना मीट था उनका, वो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसलिए मीट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हुआ करते थे। तो जो गरीब लोग हुआ करते थे यूरोप के, वो मीट अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। अब जब अमेरिका डिस्कवर हुआ 16वीं शताब्दी में, तो पता चला कि यार अमेरिका में तो आलू भी उगता है, और आलू इस तरीके से पहुंच गया यूरोप। और जब आलू पहुंचा यूरोप, तो लोगों को लगा ये क्या मैजिकल सा खाना है, इसमें तो पोषण भी बहुत है, और ये तो टेस्टी भी बहुत है, और इसे तो अलग 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 तरीके की
सब्जियां और अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स बन जाते हैं, हमें तो मीट की जरूरत ही नहीं है। तो जो गरीब जनता थी यूरोप की, वो आलू के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गई कि मोस्टली यूरोप में खेती सिर्फ आलू की होने लग गई। और फिर एक ऐसा समय आया 1890 का दशक, जब आलू की खेती में लग गई एक बीमारी, पटेटो ब्लाइट नाम की एक बीमारी की वजह से मोस्टली यूरोप की आलू की फसल हो गई खराब। पर क्योंकि मोस्टली फार्मर्स तब तक सिर्फ आलू ही उगा रहे थे और गरीब लोग सिर्फ आलू पे ही डिपेंडेंट थे, इसीलिए इस बीमारी की वजह से, आलू की खेती की बीमारी की वजह से कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी स्टारवेशन और हंगर की वजह से, भुखमरी की वजह से। क्योंकि जब खाने को ही आलू अवेलेबल था और आलू में ही बीमारी लग गई, तो ऑब्वियसली डेथ होना तो एक रिजल्ट होना ही था, राइट? तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का प्रतीक है। आयरिश फमीन इज अ जीता जागता एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं बीमारियों की। कोरोना पैंडेमिक बना है ऑल थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, ऐसे ही पहले भी हुआ करता था। एक्चुअली 16वीं शताब्दी तक क्या है, 15वीं शताब्दी तक तो सिल्क रूट एग्जिस्ट किया करते थे। तो 15वीं शताब्दी तक तो इंडिया और चाइना के व्यारे न्यारे रहते थे, ये दोनों वेल्दीएस्ट कंट्रीज में आते थे। 16वीं शताब्दी में थोड़ी सी गेम बदलनी शुरू हो गई, यूरोप ने एशिया को भी डिस्कवर कर लिया और यूरोप ने अमेरिका को भी डिस्कवर कर लिया, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया था गलती से। अब जो है दुनिया का ग्लोबलाइजेशन बूम करने वाला था। इंडियन ओशन जब तक था, जब तक ट्रेड मोस्टली इंडियन ओशन के थ्रू होती थी, तब तक इंडिया और चाइना डोमिनेंट हुआ करते थे। लेकिन अब जो है पासा जो है धीरे 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 पलटने वाला था। इंडिया और चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज से अब यूरोप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट बनने वाला था। अब ये हुआ कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प एक्सपैंड सम ऑफ दीज फ्लोट्स टूवर्ड्स द यूरोप। तो जब यूरोप ने ट्रेड में फुल फ्लेजेड एंट्री मारी, तो ट्रेड का जो फोकल पॉइंट है, जो सेंटर है, वो इंडिया और चाइना से हटके यूरोप की तरफ चला गया। देखो बात ऐसी है कि अमेरिका डिस्कवर हो गया था, बहुत सारे सालों तक, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तो दुनिया को अमेरिका के बारे में पता नहीं था, और अमेरिका को भी दुनिया के बारे में पता नहीं था। अमेरिका को नहीं पता था कि हमारे लैंड से बाहर भी कोई दुनिया है, एंड सिमिलरली बाकी कंट्रीज को भी नहीं पता था कि अमेरिका जैसा कोई देश भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे बहुत सारा लैंड, बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत कम लोग रहते हैं। 16वीं शताब्दी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, तो लोगों को पता चला यार नई नई क्रॉप्स भी अवेलेबल हैं, नए नए मिनरल्स भी अवेलेबल हैं, और नया बड़ा सा लैंड भी अवेलेबल है जहाँ पे हम जाके रह सकते हैं। अब इसने गेम बदल दी। अमेरिका का देखते ही देखते बोलबाला पूरी दुनिया में होने लग गया। लोग अलग 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 कहानियों में विश्वास रखने लग गए। कई लोग मानते थे कि अमेरिका में बहुत सारा सोना मिलता है, कई लोग मानते थे कि पेरू और मेक्सिको में बहुत सारी माइंस है। अब यूरोप की जनता जो ऑलरेडी यूरोप से परेशान थी, उसे अमेरिका जो है एक तरीके के खजाने की तरह दिखने लग गया। अब उसे लग रहा था कि यार एशिया पे भी कब्जा जमा ले और अमेरिका पे भी कब्जा जमा ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट 17वीं शताब्दी में तो दुनिया ऐसा मानने लग गई थी कि अमेरिका में एक सोने से बना हुआ शहर है जिसका नाम है एल डोराडो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैं यहां पे लिख रही हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज एल डोराडो, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। फेबल्ड का मतलब काल्पनिक सिटी, जिसकी पूरी चर्चा दुनिया में या यूरोप में हुआ करती थी, क्योंकि अमेरिका में लोगों को इतना इंटरेस्ट आ गया था कि कहानियां बननी शुरू हो गई थी कि क्या पता अमेरिका तो पूरा सोने से ही बना हुआ है, ठीक है जी। तो मिड सेंचुरी आते आते यूरोप के सारे मतलब अभी अमेरिका डिस्कवर हुआ 16वीं शताब्दी में, मिड सेंचुरी 16 सेंचुरी आते आते यूरोप के सारे देशों ने अमेरिका के ऊपर नजर गड़ाना शुरू कर दिया कि कौन इसे कैप्चर करेगा। साम दाम दंड भेद हर पैतरा लगाया गया अमेरिका पे कैप्चर करने का। पर पता है जीता कौन? जीते स्पेन के लोग, और स्पेन ने दिमाग लगाया। स्पेन ने बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया, इन्वेडर्स का इस्तेमाल या गन्स का और ग्रेनेड का और वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, स्पेन ने इस्तेमाल किया एक बीमारी का। अब खुद सोचो, एक ऐसा कॉन्टिनेंट, अमेरिका जैसी जगह जो बाकी दुनिया से कटे हुए है, तो अगर बाकी दुनिया में वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी डेवलप हो गई है किसी बीमारी के लिए, तो अमेरिका में तो नहीं हुई होगी ना। वो बीमारी बनी स्मॉल पॉक्स। उस जमाने में स्मॉल पॉक्स वैसे भी एक डेडली किलर थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स का तब तक वैक्सीनेशन इजाद हो गया था, और बाकी यूरोप और बाकी कंट्रीज में स्मॉल पॉक्स से अब लोगों की डेथ बहुत कम मात्रा में होती थी, राइट? लेकिन अमेरिका तो अछूता बैठा हुआ था, अमेरिका ने तो बाकी दुनिया देखी नहीं थी, अमेरिका ने स्मॉल पॉक्स नहीं देखा था। तो अमेरिका के लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, ना तो उन्हें वैक्सीनेशन मिला था। तो स्पैनिश कॉन्करर यानी कि स्पेन के ऐसे लोग जो अमेरिका पे कब्जा जमाना चाहते थे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स को वेपन बना के अमेरिका में एंट्री ले ली। और देखते ही देखते देखते ही देखते ना तो कोई उन्होंने बंदूकें इस्तेमाल की, ना उन्होंने इन्वेडर इस्तेमाल किए, सिर्फ स्मॉल पॉक्स की बदौलत कितने सारे अमेरिका के लोगों को मार डाला गया। और कहाँ गया, अरे कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, वहां की पॉपुलेशन जो है डेसिमेट हो गई। डेसिमेट होने का मतलब ऑब्वियसली कई सारे लोग मारे गए, जो बचे कुछ लोग बचे उन पे तो कब्जा जमाना बहुत आसान था। तो स्पेनिश कॉन्करर्स ने कर लिया अमेरिका पे कब्जा।
अब सवाल ये आता है कि क्या चुल मची हुई थी ना, यूरोप को क्या पड़ी थी आखिर अमेरिका पे कब्जा करने की। तो बच्चा यूरोप जैसा आज आपको दिखता है वैसा उस जमाने में नहीं दिखा करता था। यूरोप में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत ही सारी। यूरोप के सिटीज जो है क्राउडेड हुआ करते थे, यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। पॉपुलेशन और सिटीज के क्राउडेड होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी। रिलीजन के नाम पर भी लोग आपस में लड़ते रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स कैथलिक्स, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। बहुत सारे राजा महाराजा गिरते बनते रहते थे। हंगर थी, पावर्टी थी, बीमारियां थी। तो इनफैक्ट अगर मैं एक बात बोलूं तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था यूरोप में रहना, या यूरोप में रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी उस जमाने में। लोगों को लग रहा था कि यार अमेरिका में जाके रह लेते हैं ना, जहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत हैं, क्रॉप्स भी बहुत हैं और लैंड भी खाली पड़ा हुआ है। और इसी चक्कर में लैंड और रिसोर्सेज की लालच में लोग अमेरिका पे कैप्चर करना चाहते थे, और उन्होंने कर भी दिया। आप जानते हो कि 17वीं शताब्दी से तो शुरू हो गई थी स्लेवरी, शुरू हो गई थी। जो आप लास्ट क्लास क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ के आए हो, स्लेवरी पढ़ के आए हो ना, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। भाई यूरोप के पावरफुल देश क्या करते थे, बंदूकें लेके जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका के फिजिकली पावरफुल लोगों को बंदूकों की बदौलत स्लेव्स बना के लेके आते थे, और उनसे आधा काम यूरोप में करवाया करते थे, आधा काम अमेरिका में करवाया करते थे। तो ये प्लांटेशन वर्कर्स के नाम पे स्लेवरी होनी शुरू हो गई थी अफ्रीका और अमेरिका में। और जो कर कौन रहा था, यूरोप कर रहा था। और क्या उगवा रहा था, मोस्टली कॉटन, टोबैको, शुगर, कॉफी, ऐसी चीजें उगा रहा था जो यूरोपियन मार्केट्स में चाहिए होती थी, राइट? तो बेसिकली 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी आते आते फोकल पॉइंट जो है दुनिया की ट्रेड का बन गया था यूरोप। अब एशियन कंट्रीज पीछे रह गए थे, इंडिया को तो दबा दिया गया था और चाइना ने अपने दरवाजे ट्रेड के कर लिए थे बंद। जैसे चाइना ने ट्रेड से अपने पैर पीछे खींचे, सिल्क रूट के टाइम पे चाइना बहुत चमकता था, लेकिन जैसे जैसे चाइना ने अपने पैर पीछे खींचे ट्रेड से, वैसे वैसे यूरोप की जो जगह है और ज्यादा प्रोमिनेंट होते गई। तो 15वीं शताब्दी तक बेचारे इंडिया और चाइना सबसे अमीर कंट्रीज में आया करते थे, लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी आते आते यूरोप जो है सबसे अमीर कॉन्टिनेंट में आ गया था। चाइना का रोल जो है वर्ल्ड ट्रेड में रिड्यूस हो गया था, अमेरिका और यूरोप जो है वर्ल्ड ट्रेड में ज्यादा देखने को मिलते थे। यूरोप बन गया था वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि बताइए यूरोप कैसे बना वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर 18वीं शताब्दी में। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट, चलो 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, 1815 से 1914। बच्चा मैं हमेशा बोलती हूँ शताब्दी जो है बैकवर्ड्स चलती है, सो व्हाट आई एम सेइंग 19th सेंचुरी, व्हाट आई मीन इज 1800 से 1900। व्हाट आई एम सेइंग 15वीं शताब्दी, व्हाट आई मीन इज 1400 से 1500, ठीक है? तो 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो दुनिया जो है धीरे 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 छोटी हो रही थी, क्योंकि यूरोप ने एशिया भी डिस्कवर कर लिया था और अमेरिका भी डिस्कवर कर लिया था, और हर तरीके के चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में। इकोनॉमिक चेंजेस भी आ रहे थे, यानी कि पैसे से रिलेटेड, सोशल चेंजेस भी आ रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस भी आ रहे थे, कल्चरल चेंजेस भी आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पे कब्जा कर लिया गया था पॉलिटिकली, तो वो पॉलिटिकल चेंज था। इंडिया की इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया गया था, तो वो इकोनॉमिक चेंज था। तो पूरी दुनिया में ऐसे अलग 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 बदलाव आ रहे थे, पूरी दुनिया जो है एक तरीके से रीशेप हो रही थी, क्योंकि हर एक कंट्री का बाकी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात जो है वो बदलते समय के साथ बदलता जा रहा था। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन में 19वीं शताब्दी में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अगर हम नैरो डाउन करें 19वीं शताब्दी के ग्लोबलाइजेशन को या 19वीं शताब्दी के ट्रेड को, तो तीन चीजों का फ्लो सबसे ज्यादा था। एक था सामान का फ्लो, जिसमें आता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और क्लोथ, ठीक है? तो सामान में दो मेजर चीजें थी, ज्वेलरी वगैरह भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा यही था, क्लोथ एंड व्हीट। फिर था एक फ्लो था लेबर का, लोग इधर से उधर मूव करते थे, चाहे उन्हें जबरदस्ती मूव करवाया जाए स्लेवरी के टर्म्स में, चाहे उन्हें एम्प्लॉयमेंट की सर्च में भेजा जाए, है ना? तीसरा था पैसे का फ्लो, बड़े बड़े देश जो हैं पावरफुल देश छोटे छोटे देशों में पैसा लगा के और ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश किया करते थे, तो कैपिटल भी फ्लो होता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होना स्टार्ट हो गया था। तो थ्री फ्लोज वर देयर इन द 19th सेंचुरी, और ये तीनों फ्लो अलग अलग नहीं चलते थे, ये तीनों फ्लो इंटरकनेक्टेड थे, क्योंकि ये तीनों ही फ्लो एक लोगों की जिंदगी को डिफाइन करेंगे। भाई अगर आप जिंदगी जी रहे हो, एक सोसाइटी में जी रहे हो, तो आपको जॉब भी चाहिए, आपको सामान भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। तो ये तीनों फ्लोज जो है आपस में इंटरकनेक्टेड थे, और इनका इंटरकनेक्शन ब्रेक हो जाता, कभी कभी ब्रेक होता भी था, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे 19वीं शताब्दी का ग्लोबलाइजेशन, तो तीनों ही फ्लो चलते थे और आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे। तो इन तीनों फ्लोज की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी जो है बेटर होती जा रही थी 19th सेंचुरी में। अब बात करते हैं कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी शेप अप हुई 19वीं शताब्दी में। अगेन, अभी भी हम 19वीं शताब्दी पे ही अटके, ठीक है? अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप।
देखो ट्रेडिशनली क्या हुआ करता था, मतलब कि 15वीं 14वीं शताब्दी में देशों का ऐसा मानना था, जगहों का ऐसा मानना था कि खाना तो अपना ही होना चाहिए, खाने के लिए किसी देश के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियल यूरोप में, इंडस्ट्रियल ब्रिटेन ने इस बात को झुकला दिया था। ट्रेडिशनली कंट्रीज को अपने आप में सेल्फ सफिशियंट होना पसंद था खाने के लिए, लेकिन 19वीं सेंचुरी ब्रिटेन ने खाने के टर्म्स में अपनी सेल्फ सफिशियंसी को तोड़ दिया था। कैसे वो जानते हैं, क्यों किया, कैसे किया, उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। मैंने बताया ब्रिटेन कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। तो यूरोप में अगर पॉपुलेशन की बीमारी थी तो ऑब्वियसली ब्रिटेन में भी थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। और ब्रिटेन तो बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ता जा रहा था, जितने लोग होंगे उतना ज्यादा खाना चाहिए होगा, खाने का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था। तो जब डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई नहीं है तो क्या होगा, प्राइस हाइक होगा, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ, सैनिटाइजर की डिमांड एकदम से बढ़ गई लेकिन सैनिटाइजर मार्केट में मिल नहीं रहा था तो सैनिटाइजर महंगा मिलने लग गया, राइट। सिमिलरली यूरोप में या ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ी, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई उतनी की उतनी रही तो इसलिए बढ़ गए प्राइसेस। जब प्राइसेस बढ़ गए तो गवर्नमेंट ने लगा दिए कॉर्न लॉस। अब गवर्नमेंट को लगा कि बाहर से जो है इंडिया, मतलब यूरोप के लोग जो है बाहर डेवलपिंग नेशंस का, छोटे छोटे देशों से जो सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है वो मंगा रहे हैं, सस्ते दाम पे एग्रीकल्चर अवेल करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कॉर्न लॉस लगा दिए, बेसिकली लॉ बना दिया ब्रिटेन में। कॉर्न लॉस में सिर्फ मक्का नहीं आता था बच्चा, नाम इसका जरूर कॉर्न लॉ है लेकिन कॉर्न लॉ में मक्के के अलावा और सारे फूड ग्रेन्स भी आया करते थे। कॉर्न लॉस का मतलब था कि ब्रिटेन में आने वाला सामान पे आप टैक्स ज्यादा लगा दोगे, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। तो कॉर्न लॉस ने बाकी देशों से जो सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ब्रिटेन में आता था उस पे टैक्स बढ़ा दिया। जब टैक्स बढ़ा दिया तो इंपोर्ट का खाना हो गया महंगा, और इंपोर्ट का खाना महंगा हो गया और आपकी कंट्री में जो सामान मिल रहा था वो ऑलरेडी महंगा था, तो अब कंज्यूमर जो है यूके का सामान खरीदने लगे। अब गवर्नमेंट को लगा था कॉर्न लॉस लगा के वो अपने देश के फार्मर्स और अपने देश के फार्मर्स के प्रॉफिट को बचा ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कॉर्न लॉस यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ 1815 से 1846 तक थे, और इसके बाद गवर्नमेंट पे प्रेशर आना शुरू हो गया था, अनहैप्पी, क्योंकि लोगों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही थी ना, वैसे भी यूरोप में पैसा तो था नहीं, लोग गरीबी से जूझ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि यार जो सस्ता सामान बाहर की कंट्री से आ रहा था, इंडिया अमेरिका जैसी जगहों से आ रहा था, वो सामान आना भी बंद करा दिया क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया इन्होंने। तो अनहैप्पी लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि जल्दी से कॉर्न लॉ को अबॉलिश करो वरना तुम्हारी पिटाई लगा देंगे, तो सरकार को कॉर्न लॉस को अबॉलिश करना पड़ा। तो कॉर्न लॉस लगाए क्यों गए थे, अपने घर के फार्मर्स के प्रोड्यूस को और प्रॉफिट को बचाने के लिए। कॉर्न लॉस हटाए क्यों गए थे, क्योंकि ब्रिटेन की जनता प्रोटेस्ट करने पे आ गई थी। कॉर्न लॉस हटाने के बाद भी क्या सब कुछ अच्छा हो गया, द आंसर टू दैट इज नो। कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ बुरी बातें हुई। आम जनता के बड़े मजे आ गए क्योंकि आम जनता अब जो बाकी देशों से जो सस्ता सामान आ रहा था उसे अवेल कर पाई और अपनी गरीबी में भी अच्छा पोषण पोषण वाला खाना ले पाई। लेकिन जो यूरोप के फार्मर्स थे, जो ब्रिटेन के फार्मर्स थे, वो बाकी देशों से आने वाले सस्ते सामान से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। गुस्से में बहुत सारे ब्रिटिश फार्मर्स ने अपने अपने खेतों को खेती करना ही छोड़ दिया, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, और कितने सारे भाई बहन ब्रिटेन के, कितने सारे आदमी औरत ब्रिटेन के गाँव से छोड़ के, अपने खेतों को छोड़ के ब्रिटेन के शहरों में आ गए, लंदन जैसे शहरों में आ गए। तो लंदन में माइग्रेशन बढ़ गया, शहरों में माइग्रेशन बढ़ गया, रूरल एरिया से अर्बन एरिया आ रहे हैं, क्योंकि भाई खेती में तो आपको वैसे भी पैसा नहीं मिल रहा, सब लोग इंडिया या अमेरिका का सस्ता खाना खा रहे हैं। तो शहरों में माइग्रेशन बढ़ गया और शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बननी शुरू हो गई, स्लम एरियाज बनने शुरू हो गए। सोचो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम ये, तो ब्रिटेन में इतने ज्यादा लोग आ गए एक टाइम पे ब्रिटेन के शहरों में कि वहां पे हालत ही खराब हुई, बीमारियां, हंगर, झुग्गी झोपड़ी, सब जगह गंदगी। इसीलिए 19वीं शताब्दी के बीच में लोगों ने सोचा कि यार ब्रिटेन तो रहने लायक ही नहीं बचा है, क्यों ना कहीं और जाके रहा जाए। तो आप समझ रहे हो कि 19वीं शताब्दी में माइग्रेशन ऑफ पीपल यूरोप से बाकी कॉन्टिनेंट्स में क्यों हुआ, इन टर्म्स ऑफ लैंड, इन सर्च ऑफ लैंड एंड बेटर प्लेस टू लिव, राइट। फ्रॉम द मिड 19वीं सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू हायर इनकम्स। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका, फूड इंपोर्ट बढ़ गया, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया टू मीट द फूड डिमांड्स इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही थी कि बाहर से भी खाना आ रहा था, बाहर से खाना आ रहा था वो सस्ता आ रहा था, गरीब लोग उसे खाते थे, और इंटरनली भी यूरोप में और रशिया में अमेरिका से भी खाना मंगाना पड़ रहा था क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी ब्रिटेन की या यूरोप की, तो आसपास से भी आ रहा था।
अब जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा था 19वीं शताब्दी में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत चल रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप रिक्वायरमेंट, ओवर पॉपुलेशन, इन सारे कारणों की वजह से आपको रेलवे भी डेवलप करनी पड़ रही थी, क्योंकि इतना सारा रॉ मटेरियल या इतना सारा फिनिश प्रोडक्ट आप एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों में भर के थोड़ी ले जाओगे। आपको एक ऐसा ट्रांसपोर्ट चाहिए जो बल्क में ट्रांसपोर्ट कर दे, तो रेलवे की डिमांड भी बढ़ रही थी। एग्रीकल्चर रीजन को कनेक्ट करने के लिए रेलवे बन रहा था। यूरोप में पता है रेलवे इतना अच्छा क्यों है, आज भी लोग रेलवे से ट्रैवल करना इतना पसंद क्यों करते हैं? ऑल थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर एरा। नए नए हार्बर्स बन रहे थे, समुद्र के किनारे नए नए पोर्ट्स बन रहे थे, क्योंकि आप अमेरिका से भी खाना मंगा रहे हो, इंडिया से भी खाना मंगा रहे हो, तो वो खाना तो शिप के जरिए आ रहा है, और इंटरनली यूरोप में चल रहा है ट्रेन सिस्टम यानी कि रेलवे सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो रहा है, लोग बेचारे शहरों से तंग आके कहीं और शिफ्ट भी हो रहे हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत बूम कर रहा है। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। नाउ ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। भाई ट्रेन बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, शिप्स के हार्बर्स बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, शिप्स बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा बैंक से। तो लंदन जैसे बड़े बड़े शहर जहाँ पे अच्छे अच्छे बैंक्स हुआ करते थे, वो तो ब्रिटेन में बन गए फिनेंशियल सेंटर या फिर फिनेंशियल कैपिटल। लेकिन लोग हर जगह से आ रहे थे, लोग काम करने अफ्रीका से भी बंदी बना के लाए जाते थे, लोग काम करने जो है आपके अमेरिका से भी लाए जाते थे। बंदी तो नहीं बनाए जाते थे, इंडेंचर्ड लेबर चलता था, जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि स्लेवरी तो अब तक खत्म हो चुकी थी। तो कुछ नहीं कुछ नहीं, तो 19वीं शताब्दी में 50 मिलियन लोग इमिग्रेट किए यूरोप से। इमिग्रेट करने का मतलब बच्चा, एक होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब कंट्री के अंदर आना, एक होता है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन ई फॉर एमी, ई फॉर एग्जिट, यानी कि कंट्री छोड़ के जाना। तो 50 मिलियन का मतलब है 500 लाख लोग, 1 मिलियन में 10 लाख आता है, तो 500 लाख लोगों ने यूरोप को छोड़ा 19वीं शताब्दी में, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भाग गए, क्योंकि यूरोप में तो रहने लायक अब जगह बची ही नहीं थी। पूरी दुनिया की बात करो तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं कुछ नहीं, तो 150 मिलियन लोगों ने अपने घर को छोड़ा और दूर दराज जाके किसी और लैंड में जाके बस गए, जिसमें हमारे इंडियन भाई बहन भी आते थे। तो इस पूरी बात की समरी ये है कि 19वीं शताब्दी के आखिर तक, 1890 मतलब 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक आते आते, दुनिया जो है ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी। आपकी प्लेट में रखा हुआ खाना आस पड़ोस के खेतों में से नहीं आता था, अब कभी कभी जो है हजारों मील दूर से भी आता था, शिप में ट्रैवल करके भी आता था। इट वॉज नॉट ग्रोन बाय द पेजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड बाय एन एग्रीकल्चर वर्कर्स परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड हु वॉज नाउ वर्किंग ऑन अ लार्ज फार्म दैट ओनली अ जनरेशन अगो हैड मोस्ट लाइकली बीन अ फॉरेस्ट। अब आपकी प्लेट में रखा हुआ खाना आसपास के खेतों से ना आके दूर दराज के जंगलों से आया करता था, जो कुछ साल पहले तक जंगल हुआ करते थे, और उन जंगलों को काट के अब वहां पे खेती हो रही थी। इंडिया में भी बैठे हो तो क्या पता खाना आपका ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था। दुनिया में एग्रीकल्चर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू हो गया था, उसे सपोर्ट करने के लिए रेलवे भी बन रहा था, उसे सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स भी बन रहे थे, उसे सपोर्ट करने के लिए शिप्स भी बन रहे थे, राइट? और लो पेड वर्कर्स भी देखे जाते थे। बाकी सारी चीजें तो चल रही थी, जिनके पास पैसा है वो और पैसा कमा पा रहे थे, लेकिन वर्कर्स की हालत ज्यों की त्यों थी। आप सदर्न यूरोप में ले लो, एशिया में ले लो, अफ्रीका में ले लो, कैरेबियन आइलैंड्स में ले लो, वर्कर्स की हालत काफी टाइट थी, लेकिन सामान एक जगह से दूसरी जगह बन भी रहा था और ट्रैवल भी कर रहा था। ऐसे ही ड्रामेटिक चेंजेस हमें इंडिया में भी देखने को मिले, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट पंजाब। बस ये बात याद रखना कि यूरोप में खाने की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए यूरोप के देश कुछ भी करने पे आ गए थे। इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया हुआ था, ब्रिटेन यूरोप का पार्ट है। ब्रिटेन ने इंडिया के ड्राई पार्ट्स, मतलब कि ऐसे पार्ट्स जहां पे थोड़ी सी पानी की कमी थी, वहां पे भी खेती करवाना शुरू कर दिया, कि यहाँ पे भी खाना उगवा लेते हैं, यूरोप में खाने की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो जो वेस्ट पंजाब हो गया, या थोड़ा सा नॉर्दर्न राजस्थान हो गया, वेस्टर्न राजस्थान हो गया, जो इंडिया के थोड़े से ड्राई पार्ट्स है ना नॉर्दर्न इंडिया के, वहां पे कनाल्स बना बना के, कनाल मतलब वाटर के चैनल्स बना बना के, ताकि आर्टिफिशियल इरिगेशन से खेतों में पानी जाए और ड्राई पार्ट्स में भी आप खेती कर सको, इस तरीके का सिस्टम बना दिया था। सेमी डेजर्टेड एरियाज को फर्टाइल लैंड बना दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हमारे लिए नहीं बनाया था वो, यूरोप के लिए बनाया था। वहां से फूड ग्रेन्स उगा के भेजे जाते थे यूरोप, और प्रॉफिट किसकी जेब में जाता था, प्रॉफिट जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेब में। तो कॉटन उगाया जाता था, वीट उगाया जाता था, जो भी सामान यूरोप को चाहिए होता था वो इंडिया के ड्राई पार्ट्स में कनाल लगा के उगा लिया जाता था। बाकी देश में तो वैसे भी खेती कराई जा रही थी, अब कनाल लगा के ड्राई पार्ट्स को भी इरिगेट करवाया जा रहा था।
1820 से 1914 के बीच में कमोडिटीज जो है वर्ल्ड ट्रेड में 25 से 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करने लग गई, यानी कि रॉ मटेरियल 19 सेंचुरी में 60% दुनिया की ट्रेड का हिस्सा जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स हुआ करता था, रॉ मटेरियल हुआ करता था, क्योंकि यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और यूरोप को चाहिए था कॉटन, वीट, यानी कि रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल इधर से उधर सबसे ज्यादा ट्रैवल करता था। जल्दी से एक छोटा सा प्रीकैप कर ले 19th सेंचुरी का। 19th सेंचुरी में तीन चीजों का फ्लो हो रहा था, एक आपके लोगों का यानी कि ऑक्यूपेशन का माइग्रेशन हो रहा था, फ्लो ऑफ लेबर, दूसरा था फ्लो ऑफ गुड्स जिसमें क्लोथ और वीट सबसे प्रोमिनेंट थे, और तीसरा था फ्लो ऑफ कैपिटल, एक जगह से दूसरी जगह पैसा लग रहा था। इसमें ब्रिटेन सबसे आगे था, ब्रिटेन ने इंडिया जैसे देशों पर कब्जा करके अपनी फूड ग्रेन की डिमांड को मीट करने की पूरी कोशिश की। अब पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी का रोल। पता है आपको 19वीं शताब्दी में बहुत बड़ी 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 चीजों को बनाया गया, रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राम, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुई हैं हमारी दुनिया में 19वीं शताब्दी में, और हमें लगता है कि ये इन्वेंशंस जो है अच्छे नजरिए से कराई गई थी, बट ऐसा कुछ है नहीं। इन इन्वेंशंस को कराने के पीछे कुछ सोशल कारण थे, कुछ पॉलिटिकल कारण थे और कुछ इकोनॉमिक कारण थे। एक्चुअली कॉलोनाइजेशन यानी कि पावरफुल देश छोटे देशों पे जो कब्जा करते थे, दिस वाज अ मेजर मेजर रीजन कि सरकारें जो हैं, अमीर सरकारें, अमीर देशों की सरकारें अपने साइंटिस्ट को बोलती थी कि हम आप पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप बस हमें अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी बना के दो, और वो बना के देते थे। यूरोप के कई सारे देश रेलवे में, वेगन्स में, शिप्स में इंप्रूवमेंट क्यों लाते थे? क्योंकि उनकी सरकार बोलती थी। सरकार क्यों बोलती थी? क्योंकि उसे कॉलोनाइजेशन प्रमोट करनी होती थी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है मीट का। आपको पता है इंडिया प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन कंट्री है, प्रीडोमिनेंटली, ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस एग्जिस्ट इन आर नेशन ऑल्सो, लेकिन यूरोप प्रीडोमिनेंटली क्या है? नॉन वेजिटेरियन है। वहां पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं? मीट को खाना पसंद करते हैं। अब भाई यूरोप में हमने पढ़ा, फुल स्क्रीन जा रही हूं मैं, यूरोप में हमने पढ़ा कि भाई पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और मीट की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इतने सारे एनिमल्स आए कहाँ से ना? यूरोप के खुद के एनिमल्स इतने सारे थे ही नहीं कि वो वहां की डिमांड को पूरा कर पाते। तो 1870 का दशक आते आते एनिमल्स जो हैं बाकी कॉन्टिनेंट से शिप होना शुरू हो गए थे, चाहे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, यूरोप में जाया करते थे ताजे ताजे जिंदा एनिमल्स, और वो स्लॉटर किए जाते थे यानी उन्हें काटा जाता था यूरोप में जाके, ठीक है। लेकिन लाइव एनिमल्स को ट्रैवल करने में ना बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो लाइव एनिमल्स बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, है ना, आप जिंदा एनिमल एक जगह से दूसरी जगह लाओगे तो उनको बहुत ज्यादा जगह चाहिए, ऊपर से कई सारे एनिमल्स तो इतना बड़ा ट्रैवल करके मर जाते थे, कुछ एनिमल्स अनफिट हो जाते थे, उन्हें बीमारियां लग जाती थी, और एक एनिमल को बीमारी लगी तो आसपास वालों में भी बीमारी फैल जाती थी, तो पूरा का पूरा ट्रैवल करना आपका एक तरीके से खराब हो जाता था। तो इसी वजह से मीट की रिक्वायरमेंट यूरोप में पूरी नहीं हो पा रही थी इतने सारे एफर्ट के बाद भी, और इसीलिए मीट जो है यूरोप में एक्सपेंसिव मिलता था, और इसीलिए मीट जो है नॉर्मल लोग जो हैं यानी कि जो पुअर पॉपुलेशन है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, तो डिमांड मीट की बहुत कम थी। अब सरकार चाह रही थी कि इस मीट की डिमांड को बढ़ाया जाए, मीट के प्राइसेस को कम किया जाए, क्योंकि जो चीज़ कम मिलेगी मार्केट में वो चीज़ ऑब्वियसली महंगी भी मिलेगी, तो अगर मीट ज़्यादा मिलता तो मीट के प्राइसेस कम हो जाते। इसीलिए नई टेक्नोलॉजी बनाई गई और उस टेक्नोलॉजी का नाम था रेफ्रिजरेटेड शिप्स, यानी कि ऐसी शिप्स बनाई गई जिनके खुद के अंदर फ्रिज लगा हुआ था। पेरिशेबल फूड आइटम यानी कि ऐसा आइटम जो एक दो दिन में खराब हो जाता है, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, फूल हो गए, मीट पेरिशेबल आइटम में आता है। पेरिशेबल आइटम को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवाने के लिए बनाई गई थी आपकी फ्रिज वाली शिप्स। अब जो है एनिमल्स बच्चा, अब जो है एनिमल्स कट के आते थे, अगर अफ्रीका से आना है, अमेरिका से आना है, तो एनिमल्स को काट के लाया जाता था रेफ्रिजरेटेड शिप्स में भर के। इससे क्या होता था, एक ही बार में खूब सारा मीट ट्रैवल कर लेता था, मीट खराब भी नहीं होता था। जब मीट खराब नहीं होता था और खूब सारा मीट एक ही बार में आ जाता था, तो मीट की अवेलेबिलिटी यूरोपियन मार्केट्स में बढ़ गई। जब अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो प्राइसेस घट गए, और अब गरीब लोग भी मीट खा पाते थे। गरीब लोग भी मीट खा पाते थे, वो बड़े खुश रहते थे, वो अपनी सरकार से भी खुश रहते थे, और सरकार से खुश रहते थे तो मुंह बंद रखते थे। वरना आप खुद सोच के देखो, अगर हमारा देश, रशिया अगर यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो कितने सारे रशियन भाई बहन है ना जो उसको कंडेम कर रहे हैं, जो रशिया की सरकार को ही बोल रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन ने इतने सारे देशों पे कब्जा जमाया, यूरोप के पावरफुल देशों ने इतने सारे देशों पे कब्जा जमाया, वहां की खुद की जो पॉपुलेशन है वो चुप क्यों बैठी रहती थी? क्योंकि उन्हें भी कॉलोनाइजेशन से फायदा मिलता था। फॉर एग्जाम्पल ये फायदा, गरीब लोगों की प्लेट में मीट मिल रहा है, वो खुश हैं, वो अपनी सरकार की कॉलोनाइजेशन पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इंपेरियलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है पावरफुल देश जब छोटे देश पे इकोनॉमिक लेवल पे कब्जा करता है।
इंपेरियलिज्म का मतलब होता है जब पावरफुल देश छोटे देश पे सोसाइटी में भी कब्जा करता है, इकोनॉमी पे भी कब्जा करता है और पॉलिटिक्स पे भी कब्जा करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो एक कॉलोनाइजर बन के आई थी, सिर्फ हमारी इकोनॉमी को धीरे धीरे कैप्चर किया था। लेकिन देखते ही देखते 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स को भी कब्जा कर लिया था, सोसाइटी को भी कर लिया था। तो दे केम एज कॉलोनाइजर्स बट देन दे बिकेम इंपेरियलिस्ट कंट्री ऑल्सो। ठीक है, तो ये देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इट। चलो आगे चलते हैं, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म की बात करते हैं। वन सेकेंड, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म। अच्छा, अभी तक हमें दिख रहा है कि कॉलोनिज्म कितनी अच्छी चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, ट्रेड फ्लरिश करता है, मार्केट एक्सपैंड करती है, देश अमीर बनते हैं। हाँ, देश अमीर बनते हैं, लेकिन कौन से देश? यूरोप के देश। ऑब्वियसली कॉलोनाइजेशन का एक डार्क साइड भी था, ग्लोबलाइजेशन का एक डार्क साइड भी था। वो डार्क साइड देखने को मिलता था अफ्रीका, अमेरिका और इंडिया जैसे देशों में, राइट? बहुत सारे लोगों से फ्रीडम छीनी गई, उनका लाइवलीहुड छीना गया, तब जाके कुछ देश जो है अमीर बन पाए। तो अगर आपको यूरोपियन देश देख के कभी फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, कि अरे यार ये देश तो बड़ा अमीर है, तो हमेशा याद रखना कि वो देश अमीर ही बने हैं क्योंकि हमारे देश जैसे देशों पे ऑपरेशन किया गया है, सोसाइटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया गया है। तो कॉलोनियलिज्म वाज अ रॉन्ग प्रैक्टिस जिसमें पावरफुल देश छोटे देशों पे कब्जा करता था अपने आप को अमीर बनाने के लिए, और ऐसा हर जगह देखने को मिलता था। यूरोप के तो सारे ही देश इस तरीके से करते थे। यूरोपियन पावर्स, चाहे वो फ्रांस हो बच्चा, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये पता है अफ्रीका जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को तो पिज्जा की तरह बांट के खा जाते थे। ये देखो आप खुद मैप देखो, ये मैप ना 1885 अफ्रीका को दर्शाता है, 1885 अफ्रीका। इस मैप में आप देखो अलग अलग तरीके की जगह दिखी हुई है, ब्रिटिश सोमाली लैंड है ना, यहाँ पे लिखा है जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे लिखा है पोर्तुगीज ईस्ट अफ्रीका। ये अमेरिकन और सॉरी यूरोपियन और अफ्रीकन नाम साथ में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये वो वाले पार्ट हैं जिन पे यूरोप के देशों ने कब्जा किया हुआ है। पता है 1885 में तो इन्होंने बर्लिन नाम के यूरोपियन शहर में एक मीटिंग बिठा ली थी, और मीटिंग में बैठ के यूरोप के देश ये बातें कर रहे थे कि अफ्रीका के किस पार्ट को कौन रखेगा। पीसफुली ये लोग अफ्रीका पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब ऑडेसिटी देखो आप, हिम्मत देखो कि एक कॉन्टिनेंट के लोगों को आपने स्लेव बना के उन पे कब्जा ही जमा लिया अपने फायदे के लिए। तो यही है इम्पैक्ट कॉलोनियलिज्म का, कोई बना अमीर, कोई बना गरीब। 1890 आते आते यूएसए बन गया अमीर, बेल्जियम बन गया अमीर, जर्मनी बन गया अमीर, फ्रांस तो हमेशा से ही अमीर था, और ब्रिटेन भी बन गया अमीर ओवरसीज टेरिटरीज, ओवरसीज कॉलोनाइजेशन कर करके। लेकिन गरीब घाटा किसका हुआ? घाटा हुआ अफ्रीका और इंडिया जैसे जगहों का। अब बोलोगे मैम यूएसए पे भी तो कब्जा जमाया था। बच्चा यूएसए ने 18वीं शताब्दी में अपने आप को अलग कर लिया था, ब्रिटेन के चंगुल से खुद को छुड़ा दिया था, और चंगुल से छुड़ाने के बाद यूएसए खुद जो है एक कॉलोनियल पावर बन गया था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। हम दो कॉन्टिनेंट्स, दो जगहों के बारे में पढ़ेंगे, हम एक अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे और एक इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका को कैसे कॉलोनाइज किया गया और इंडिया को कैसे कॉलोनाइज किया, फिर हम जाएंगे आपके वर्ल्ड वॉर नंबर वन और वर्ल्ड वॉर नंबर टू पे। लेट्स स्टार्ट विद अफ्रीका फर्स्ट। देखो अफ्रीका की ना कहानी बहुत अलग है। अफ्रीका एक ऐसा देश था जिसे पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं था। अफ्रीका के पास था भतेरा लैंड, मतलब कि बहुत सारा अबंडेंस में लैंड, और पॉपुलेशन थी कम। लैंड है ज्यादा, रिसोर्सेज हैं ज्यादा और पॉपुलेशन है कम, यानी कि खुशहाली खुशहाली है। अफ्रीका की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है लाइवलीहुड सस्टेन करती थी लाइव स्टॉक के बेसिस पे। लाइव स्टॉक का मतलब होता है गाय बैल बकरियां। गाय बैल बकरियों से, लैंड से, खेती से, माइन से, मिनरल से वो लोग खुश थे। माइन से नहीं, मिनरल से वो लोग खुश थे, उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं थी। वहां थोड़ी यूरोप और अमेरिका की तरह कंज्यूमर गुड्स का चस्का चढ़ा हुआ था, वहां थोड़ी लोग फ्रिज और टीवी खरीदना चाहते थे, वहां तो लोग खेती बाड़ी करके बहुत खुश थे और प्रॉस्पेरस थे। उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं था। वो 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते हुए भी पैसे से संबंधी किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते थे। लेकिन यूरोप को आ गया अफ्रीका में चस्का। यूरोप का तो बस चलता तो पूरी दुनिया पे कब्जा जमा लेता। तो यूरोप के देशों ने सोचा यार अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा मिनरल है, कोई और देश इस पे कब्जा जमाए उससे पहले हम ही कब्जा जमा लेते हैं। तो यूरोप पहुंच गए, यूरोप के लोग पहुंच गए अफ्रीका। अब इसमें स्पेनिश लोग भी थे, इटालियन लोग भी थे, ब्रिटिश लोग भी थे, फ्रेंच लोग भी थे, ये सारे के सारे पहुंच गए अफ्रीका। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा ना 1885 में लोग क्या क्या कर रहे थे, वही कहानी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं।
अब इन्होंने जाके वहां पे प्लांटेशन यूनिट सेट कर दी। इन्होंने बोला हम तो आपके देश में खेती करने आए हैं, हम तो बस थोड़ी सी माइनिंग वाइनिंग करेंगे, थोड़ा मिनरल विनरल निकालेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन अब इनका प्लान, गेम प्लान बड़ा अलग था। इन्होंने ना अफ्रीका में बहुत सारी माइनिंग और बहुत सारा प्लांटेशन करना शुरू हो गया। और ये इतने बदतमीज लोग थे यूरोप के कंट्रीज, इन्हें लगा ना कि अफ्रीका में हम काम करने भी नहीं जाएंगे, मतलब लेबर भी यूरोप के लोग नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे कि ये लेबर को बस सुपरवाइज करे और काम करके दे दे इन्हें अफ्रीका के लोग। अब अफ्रीका के लोगों को काम करने का मन ही नहीं था ना बच्चा, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं थी, उनके पास तो लाइफ स्टॉक था, उनके पास तो खेती बाड़ी थी। तो अब इन्हें लगाने पड़े पैतरे। तो ये पता है कैसे पूछा जाता है? ये पूछा जाता है व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय यूरोपियंस टू कॉलोनाइज अफ्रीका। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सीधे 3 या 5 नंबर का आएगा, 1 नंबर का कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं दे रही हूं पॉइंट नंबर 1, यहां पे दे रही हूं पॉइंट नंबर 2, यहां पे मैं दे रही हूं बच्चा पॉइंट नंबर 3, कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट। तो 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, डिटेल में लिख देना 5 नंबर में आए तो, छोटा छोटा करके लिख देना अगर 3 नंबर में आए तो। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है कि अफ्रीका के लोगों पे कब्जा जमा के, अफ्रीका के लैंड पे कब्जा जमा के वहां पे टैक्सेस लगा दिए। अब टैक्सेस पे करने के लिए तो आपको पैसे चाहिए ना, आपको वेजेस चाहिए, तो कुछ लोगों ने तो प्लांटेशन और माइंस में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें टैक्सेस लगाने के लिए पैसा चाहिए था। दूसरा पॉइंट है कि वहां के इनहेरिटेंस लॉज में चेंज कर दिए। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, उसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। बायोलॉजी वाला इनहेरिटेंस नहीं है, ये प्रॉपर्टी वाला इनहेरिटेंस है। तो वहां जाके क्या बोला यूरोप के लोगों ने कि एक फैमिली में सिर्फ एक मेंबर को ही प्रॉपर्टी जो है बटेगी, बाकी सारे मेंबर्स को नहीं बचेगी। अब अगर घर में 4 बच्चे हैं तो एक ही बच्चे को आप प्रॉपर्टी दे पा रहे हो, बाकी सारे 3 बच्चे क्या करेंगे, उन्हें भी तो टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, लेबर मार्केट में उतर जाते थे, काम करने लगते थे। माइन वर्कर्स फॉर नॉट, और एक बार वो माइन वर्कर बन जाते थे, एक बार लेबर मार्केट में उतर जाते थे, ब्रिटेन के लिए काम करने लग जाते थे, यूरोप के लिए काम करने लग जाते थे, फिर उनको वो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाने देते थे, स्लेव बना के रख लेते थे एक तरीके से। ठीक है, तो टैक्सेस लगा दिए, इससे लोगों को पैसे की जरूरत पड़ने लग गई। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉज चेंज कर दिए, इससे घर के एक बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती थी, बाकी बच्चों को काम करना पड़ता था। तीसरा उन्होंने क्या किया बच्चा, तीसरा उन्होंने रिंडर पेस्ट किया। हमने अभी क्या पढ़ा कि अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत थी कि वहां पे लोग कैटल से काम करते थे, लाइव स्टॉक था वहां पे बहुत सारा। तो रिंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी जो कैटल से रिलेटेड बीमारी थी, वो यूरोपियन देशों ने अफ्रीका में पहुंचा दी। पता है क्या, क्योंकि इतनी सारी माइंस चलती थी अफ्रीका में, तो माइंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स भी होते थे। फ्रेंच सोल्जर्स भी होते थे अफ्रीका में, इटालियन सोल्जर्स भी होते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स भी होते थे, सोल्जर्स तो हर जगह के होते थे। और भाई आपको अगर अफ्रीका को स्लेव बनाना है तो सोल्जर्स और वेपन्स तो चाहिए ना। तो इन्होंने नाटक किया कि ब्रिटेन तो ना वो भेज रहा है, ब्रिटेन तो गाय भेज रहा है एज अ मीट, मीट भेजा जा रहा है ना, क्योंकि इटालियन सोल्जर्स को ये मीट चाहिए। और उस मीट के चक्कर में इन्होंने बीमारी वाली गाय भेज दी, बीमारी वाली लाइव स्टॉक भेज दी, और वो बीमारी वाली रिंडर पेस्ट कैरिंग गाय जब पहुंची अफ्रीका में, तो देखते ही देखते रिंडर पेस्ट बीमारी पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैलने लग गई। और जैसे जैसे जंगल में आग लगती है ना, एक पेड़ जल रहा है तो पूरा जंगल जलना शुरू हो जाता है, वैसे ही एक दो गाय की वजह से अफ्रीका के पूरा लाइव स्टॉक पता है डिस्ट्रॉय हो गया। थोड़ा सा रिंडर पेस्ट के बारे में बताऊं आपको, रिंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जो अगर किसी गाय को लग जाती थी या बैल को लग जाती थी तो उसकी डेथ तो मतलब होती ही होती थी। उसको डायरिया होना शुरू हो जाता था, फीवर हो जाता था, डिहाइड्रेशन हो जाता था, नाक मुंह आग से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता था, मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते थे, और फिर इवेंचुअली जो है उस गाय बैल बकरी की डेथ हो जाती थी। तो भाई रिंडर पेस्ट की वजह से अफ्रीका में देखते ही देखते 90% कैटल जो है मारी गई। अब जब कैटल ही मर गई तो अफ्रीका का अपना लाइवलीहुड खत्म हो गया। अब जब लाइवलीहुड खत्म हो गया है, इनहेरिटेंस लॉज चेंज कर दिए हैं, टैक्स लगा दिया आप पे, तो आप क्या करोगे, आपको यूरोप के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। इसी वजह से अफ्रीका के लोगों को हार मान के माइन वर्कर बनना पड़ा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ा। और इसी तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट या फ्रेंच गवर्नमेंट, बेसिकली यूरोप के लोगों ने मोनोपोलाइज किया अफ्रीका को। मोनोपोलाइज का मतलब डोमिनेट किया, क्या किया, वहां की लेबर मार्केट को डोमिनेट किया। और इसी तरीके से उन्होंने किया कंट्रोल पूरे के पूरे अफ्रीका को। समझ आया ना बच्चा, रिंडरपेस्ट वाज़ द थर्ड पैतरा। नाउ कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो मैं आपको यहाँ आंसर के फॉर्म में दिखा रही हूँ। चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं बहुत डिटेल में ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रही हूँ, बस आपको आंसर बता रही हूँ।
क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस विच टू प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में। 17वीं शताब्दी से पहले का बताओ, 17वीं का बताओ, 18वीं का बताओ, 19वीं का बताओ। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, पर्टिकुलर ईयर पता हो चाहे ना पता हो, ये पता होना चाहिए कि ये चेंज जो है किस शताब्दी का है। जैसे 17वीं शताब्दी से पहले का पूछा है तो आप सिल्क रूट के बारे में लिख सकते हो, क्रॉप्स के बारे में लिख सकते हो, आयरिश फमीन के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, आयरिश फमीन नहीं, आयरिश फमीन तो आगे चला गया, सिल्क रूट के बारे में लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज हैपेंड। ग्लोबल ट्रांसफर में आप स्मॉल पॉक्स के बारे में लिख सकते हो, स्पैनिश कॉन्करर ने कैसे अमेरिका पे कब्जा किया वो लिख सकते हो। यहाँ पे पूछा हुआ है कि इफेक्ट्स बताओ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब कॉर्न लॉस को अबॉलिश कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़े। तो भाई लोग तो खुश हो गए, लोगों को सस्ता सामान मिलने लग गया, लेकिन फार्मर्स बेचारों की बैंड बज गई, फार्मर्स बेचारों को अपनी खेती बाड़ी छोड़ के शहर में माइग्रेट करना पड़ा एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। तो बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, देन देर इज रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आया तो क्या हुआ। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आया तो कैटल मर गई, 90% कैटल मर गई, लोगों का लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा बट टू वर्क फॉर द यूरोपियन पीपल। देन कोई दो एग्जाम्पल दो हिस्ट्री में जहां टेक्नोलॉजी ने फूड अवेलेबिलिटी को एक तरीके से प्रमोट किया। तो रेलवे की वजह से भी फूड अवेलेबिलिटी हुई क्योंकि रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से ट्रैवल कर लेता था। दूसरा पॉइंट है रेफ्रिजरेटेड शिप्स का, जिसकी वजह से मीट का एक जगह से दूसरी जगह, पेरिशेबल आइटम्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना आसान हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जहां पे हम भारत की बात करने वाले हैं। भारत में क्यों हुआ माइग्रेशन। अच्छा देखो, स्लेवरी तो खत्म हो गई थी, स्लेवरी 17वीं शताब्दी में दुनिया से चली गई थी, लेकिन नए तरीके की स्लेवरी आ गई थी, न्यू स्लेवरी यानी कि नई स्लेवरी। इस स्लेवरी को बोला जाता था बॉन्डेड लेबर यानी कि बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी का एक फैंसी नाम है जो है इंडेंचर्ड लेबर। तो जब आप किसी वर्कर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध के अपने यहाँ एक स्लेव की तरह काम कराते हो, उसके पास कोई फ्री विल नहीं होती, वो जब चाहे काम नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती और उसे आपकी सारी बातें माननी पड़ती हैं, तो उसे बोला जाता है बधुआ मजदूरी यानी कि इंडेंचर्ड लेबर। अब हमारी दुनिया में 19वीं शताब्दी में इंडेंचर्ड लेबर और डेवलपमेंट दो पहलू थे एक सिक्के के। एक जगह यूरोप तो कर रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ, वहां हो रही थी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और दूसरी जगह इंडिया जैसे करेबियन आइलैंड जैसे देशों में और एरियाज में बढ़ रही थी गरीबी, और वहां पे लोगों से करवाया जा रहा था इंडेंचर्ड यानी कि बॉन्डेड लेबर। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, एक जगह अमीरी और एक जगह गरीबी। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया और चाइना दो ऐसे देश जो 15वीं शताब्दी सिल्क रूट के टाइम पे सबसे अमीर हुआ करते थे, अब वहां पे बड़े बड़े देशों ने कब्जा जमा के प्लांटेशन और माइनिंग एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया था। इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबरर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया आफ्टर वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। इंडिया में गरीबी का फायदा उठाते हुए लोगों को कन्विंस किया जाता था कि तुम बाहर के देशों में हमारे लिए काम कर दो, और वहां 5 साल के लिए उन्हें बॉन्डेड लेबर की तरह भेज दिया जाता था, और वहां पर उन्हें बहुत ही गंदी सर्कमस्टांसिस में काम कराया जाता था। और जो सबसे ज्यादा गरीब इलाके थे ना इंडिया के, वहां से सबसे ज्यादा लोग बॉन्डेड लेबर की तरह बाहर के देशों में भेजे जाते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सेंट्रल इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में ये पार्ट पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है ना, बाबा रामचंद्रा एक इंडेंचर्ड लेबर थे जिन्हें फीजी भेजा गया था। चीजों को रिलेट करना सीखो, उस चैप्टर में भी हमने इंडेंचर्ड लेबर थोड़ा सा पढ़ा है। अब बात यह आती है बच्चा कि हमारे देश में इतनी गरीबी आई क्यों कि हमें इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम करना पड़ा, हम तो काफी प्रॉस्पेरस थे, फिर वॉट वेंट रॉन्ग। एक्चुअली ब्रिटेन का किया धरा था सब, यूरोप का किया धरा था। आपको पता है यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पहले हमारी दुनिया हमारे हमारा कॉटन जो है दुनिया भर में भेजा जाता था, हम जो है कॉटन पीस प्रोडक्ट्स भेजा करते थे। जो भी कंट्री फिनिश प्रोडक्ट भेजती है वो हमेशा अमीर होती है, इस बात को याद रखना, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा महंगा आता है। अगर ये बॉटल है मैं सिर्फ ढक्कन खरीदने जाऊंगी तो सस्ता मिलेगा ना, मैं पूरी बॉटल खरीदने जाऊंगी तो वो महंगी मिलेगी, राइट। तो फिनिश प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन द रॉ मटेरियल। अब इंडिया जो है पहले फिनिश प्रोडक्ट बेचा करता था तो हमारे यहाँ अमीरी थी, लेकिन ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने की वजह से इंडिया का फिनिश प्रोडक्ट बाकी देशों में जाना बंद करवा दिया। हमारी जगह से फिर सिर्फ रॉ मटेरियल जाया करता था, हमारी जगह से सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या कॉटन जाया करता था। तो हमारे यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो गई, भाई पहले इतना चलता था अब कोलैप्स हो गई। अब लोगों के और रेंट बढ़ाई जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रेंट बढ़ा रही थी, टैक्स बढ़ा रही थी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर रही थी, जो हम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ते हैं, और हमारे पास पैसे थे नहीं, और ऊपर से हमारा लैंड वैंड भी हमसे छीन के क्लियर करके वहां माइनिंग कर देती थी, यहाँ वहां पर प्लांटेशन करवा देती थी, यहाँ वहां पर फॉरेस्ट्री करवा देती थी। तो बेसिकली पूरी कोशिश की गई थी कि इंडिया वालों को इतना गरीब कर दो कि उनके पास और कोई चांस ना हो बट टू
एग्री टू द टर्म्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो हो भी गया ये, हमारे देश में इतनी गरीबी फैल गई कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था बट टू एक्सेप्ट व्हाट वाज ऑफर्ड टू अस. अब आता है पैतरा. इंडिया के लोगों को भेजा जाता था बाकी जगहों पे. देखो यूरोप के देशों का पूरा नेटवर्क चलता था. ब्रिटेन की भी अगर बात करोगे तो ब्रिटेन सिर्फ इंडिया पे कब्जा जमाया नहीं बैठा था. ब्रिटेन की कई सारी कॉलोनीज कैरेबियन आइलैंड्स में थी. ब्रिटेन की कॉलोनीज और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हुआ करती थी. तो ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया में लेबर की कमी नहीं थी और ब्रिटेन की और भी कॉलोनीज थी. तो इंडिया के लेबर को कैरेबियन आइलैंड्स में काम करने भेज देता था, मॉरिशियस में बॉन्डेड लेबर की तरह भेज देता, फिजी में भेज देता था, तमिल लोगों को भेज देता था सेलोन, सेलोन का मतलब है श्रीलंका, में भेज देता था, आज इसे श्रीलंका बोलते हैं, मलाया भेज देता था, यहाँ पे लिखा नहीं है पर बर्मा यानी कि म्यांमार में भेजा जाता था. और वहाँ पे एक चाय की खेती होती थी, टोबैको की खेती होती थी. यूरोप के फैंसी लोग जाके वहाँ नहीं करते थे काम, वहाँ इंडिया के लोगों से काम कराया जाता था या अफ्रीका के लोगों से काम करवाया जाता था. ठीक है, गुआना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, ये कुछ कैरेबियन आइलैंड्स के नाम है. आपको पता है अमेरिका में आज भी गुआना पीपल एग्जिस्ट करते हैं जो गुआनन इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं, जो गुआना में जो पैदा हुए हैं लेकिन हैं भारत के ओरिजिन के और आज रहते हैं अमेरिका में. तो माइग्रेशन देख रहे हो कहाँ से हुआ, पहले उनके एंसेस्टर्स गए होंगे गुआना काम करने, बच्चे हुए होंगे वहां पैदा और फिर वहां से वो भागे होंगे अमेरिका में फ्री वर्ल्ड की तलाश में. तो आज वो अमेरिकन कहलाए जा रहे हैं लेकिन उनकी एंसेस्ट्री इतनी पुरानी है. तो द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड एज वी सी इट. नाउ बात आती है कि होता कैसे था ये कार्यक्रम. ये होता था कमीशन बेसिस पे. हमारे भारत के ही लोगों को एम्प्लॉय करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले एज एन एजेंट. हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर गांव में एक एजेंट बिठा दिया जाता था. ये एजेंट जो है लोगों को एक तरीके से पागल बनाया करते थे. लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया करते थे कि यार बाहर जाओ ना काम करने, रंगून जाओ ना. आपने वो गाने नहीं सुने, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, इस तरीके के गाने बहुत बना करते थे. ये तो गाना है लेकिन ये सच्चाई हुआ करती थी कि लोगों को बेवकूफ बना के फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के देशों में भेजा जाता था. और वहां पे जब वो पहुंचते थे तो उन्हें समझ आता था कि कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं है, आपको बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना है. और कई लोगों को तो अबडक्ट भी कर लिया जाता था, अगवा भी करके भेज दिया जाता था. तो या तो सीधी उंगली से घी निकाल लो या तो उंगली टेढ़ी कर लो. और ये सब काम कौन करा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो 19वीं शताब्दी में ये एक नया सिस्टम चालू हो गया था स्लेवरी का. जो दूर से देखोगे तो आपको स्लेवरी नहीं लगेगा, आपको लगेगा लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं जॉब की तलाश में, बट एक्चुअली क्या है, स्लेवरी है. और जहां पे इनसे काम कराया जाता था वहां पे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी. जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता था उस टाइम तक लेबर के पास कोई लीगल राइट्स नहीं होते थे. अगर लोग जो है प्लांटेशन की साइट को छोड़ के जाना भी चाहें तो भी उन्हें पकड़ लिया जाता था, फिर पिटाई लगाई जाती थी, फिर उनसे फिर से काम करवाया जाता था. राइट, तो लेबर्स जब वहां पहुंचते थे तो पहले तो उन्हें शॉक लगता था कि अरे भाई कहाँ आ गए. फिर वो धीरे 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 करके सच्चाई के साथ समझौता कर लेते थे. राइट, तो कुछ लेबर्स ने भागने की कोशिश की, भागने का कुछ होता नहीं था, एक दो लेबर एस्केप कर जाते थे बट मेजोरिटी लेबर्स को पकड़ के दोबारा से मारपीट करके काम करवाया जाता था. फिर लेबर्स ने क्या किया, खुद को खुश रखने के लिए कुछ नए नए सिस्टम किए. जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके जैसे काफी सारे लोग यहाँ पे बंदी बना के लाए गए हैं तो ऑब्वियसली जेल में भी लोग अपने आप को खुश रख लेते हैं. तो ये तो फिर भी प्लांटेशन साइट्स थी, है ना. तो लोगों ने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके खुद को खुश रखा इन कॉलोनीज में. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, ये जरूर आएगा. क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सप्लेन द न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्लेरेशन एक्सप्रेशन. ठीक है, मतलब इसी तरीके से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको लिखना होगा कि ट्रिनिनाड जैसे एक जगह है, ट्रिनिनाड जो करेबियन आइलैंड्स में आती है, वहां पे मुहर्रम प्रोसेशन को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता था. आप जानते हो मुहर्रम जो है वो इस्लाम में बनाया जाता है, मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ट्रिनिनाड में हर रिलीजन के लोग जो है इसे कार्निवल की तरह, होसे कार्निवल की तरह सारी कम्युनिटीज जो है इसे ज्वाइन करती थी, है ना. क्यों, क्योंकि ये उनका जीने का तरीका बन गया था. देन सिमिलरली रास्ता फेरेनिज्म एक रिलीजन था जो बॉब मार्ले ने बनाया था और बहुत फेमस हो गया था. रास्ता फेरेनिज्म एक अलग रिलीजन है, अब चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, रास्ता फेरेनिज्म को लोग सपोर्ट करने लग गए थे क्योंकि इसमें सोशल और कल्चरल एक तरीके से ब्लेंडिंग इन थी. इंडियन माइग्रेट्स कैरेबियन भाषा सीख रहे थे, इंडियन माइग्रेंट कैरेबियन लोगों के साथ रह के उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे थे. यहीं से जन्म लिया चटनी म्यूजिक नाम के म्यूजिक ने.
में जो ट्रिनिडाड और गुआना में अलग अलग कम्युनिटीज ने मिलकर चटनी म्यूजिक बनाया। चटनी तो नाम से ही पता चल रहा है, चटनी में काफी सारी चीजें डलती है ना, फिर पेस्ट बन जाता है, फिर पता नहीं चलता है इसमें क्या क्या डाला है, आम डाला है, क्या डाला है, सब एक ही कलर का हो जाता है ना। सिमिलरली चटनी म्यूजिक बनाया गया था अलग 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 लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर को मिक्स करके। और ये जो कल्चरल फ्यूजन, बहुत सारे कल्चर का जो एक मिक्सचर निकला था, ये ग्लोबल वर्ल्ड का एक पार्ट बन गया बच्चा। और कई सारी जगहों का, कई सारे कल्चर ने मिक्स होके लोगों को जीना सिखा दिया, और फिर बाद में जाके एक नया ही कल्चर बन गया। ठीक है, मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर स्टेड ऑन आफ्टर दे कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे लोग जो इंडेंचर्ड लेबर बन के जाते थे, वो वहीं के होके रह जाते थे, वो वापस नहीं आते थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता था, पर वो इतने साल से वहां रह रहे होते थे, उनके बच्चे भी वहीं पैदा हो जाते थे, तो उन्हें लगता था अब इंडिया वापस जाके क्या फायदा, पर कुछ लोग वापस भी आते थे। 1900s में, यानी कि 20वीं शताब्दी में, हमारे जो इंडिया के लीडर्स थे, क्योंकि 20वीं शताब्दी आते आते गांधी जी वापस आ गए थे 1915 में इंडिया, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, कितने सारे लोगों ने जो है फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत जोश दे दिया था 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी में इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि ये जो हमारे इंडियन भाई बहनों के साथ तुम कर रहे हो ना, ये जो तुमने इंडेंचर्ड लेबर बना के भेजा करते हो, ये बिल्कुल गलत है। तो फाइनली जाके इंडिया में ये जो सिस्टम है, न्यू स्लेवरी का जो ये सिस्टम है, वो 1921 में खत्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ओके। लेकिन उसके बाद भी कई सारे सालों तक इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स जो गए थे वहाँ पे, जो वहीं के होके रह गए थे, उनकी जो आगे आने वाली पुश्तें थी डिसेंडेंट से, वो वहीं पे कुलीज के नाम से जाना जाते थे, और अब वो करेबियन आइलैंड्स की एक माइनॉरिटी बन के रह गए हैं। अभी भी कई सारे इंडियन भाई बहन हैं जिनकी पुश्तें इंडिया से थी, लेकिन अब वो करेबियन आइलैंड में रहते हैं। इस बात पर कई सारी पोएम्स, कई सारे गाने, कई सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। ऐसे ही एक आपके राइटर हैं नायपॉल साहब। नायपॉल साहब ने वहाँ रह रहे लोगों के जो सेंस ऑफ लॉस और एलियनेशन होता था, उसके ऊपर काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। श्री विद्याधर सूरज प्रसाद विद्या नायपॉल टीसी इज अ ब्रिटिश राइटर ऑफ इंडियन डिसेंट। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं जिनके पूर्वज जो हैं इंडिया से थे, इन्हें नोबल प्राइज मिला हुआ है। इनका भी जन्म ट्रिनिडाड में हुआ था, और इन्होंने इस बात को बहुत कैप्चर किया, क्योंकि आप खुद सोचो ना, ना तो आप इंडिया के हो अब, क्योंकि आपके पूर्वज इंडिया से थे, अब आप कैरेबियन आइलैंड में रह रहे हो, और कैरेबियन आइलैंड में आपको जो है माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आप इंडिया से रिलेट करते हो, थोड़ा बहुत आप कैरेबियन आइलैंड से रिलेट करते हो, और अगर आप कैरेबियन आइलैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, थोड़ा बहुत आप अमेरिका से रिलेट करते हो। तो कभी कभी आपको लगता है कि आप तीनों देशों को बिलोंग करते हो, कभी कभी आपको लगता है आप किसी भी देश में बिलोंग नहीं करते हो। तो ये जो अजीब सा एक एक फीलिंग है लोगों के दिलों में जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, द सेंस ऑफ लॉस एंड द सेंस ऑफ एलियनेशन कि आप कहीं बिलोंग नहीं करते, इसको नायपॉल साहब ने अपनी कहानियों में कैप्चर करने की कोशिश की है। चलो, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, पैसे की और बात करेंगे इस टॉपिक में। आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं बच्चा? बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बिजनेस ह्यूमन होते हैं वैसे तो, बट बिजनेसमैन। इंडियन बैंकर्स, कई सारे हमारे भाई बहन थे जिन्होंने इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में खूब सारा पैसा भी बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, शिकारीपुरी श्रॉफ, नट्टू कोटाई चेटियार, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने फिनेंस की दुनिया में, पैसे की दुनिया में बहुत पैसा बनाया। इन्होंने क्या किया कि ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा कमाया, और ट्रेडिंग से जो पैसा कमाया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप ये पढ़ते हो कि कई लोगों ने ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसे को इंडस्ट्रीज बनाने में लगा दिया, और कई लोगों ने ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे को फिनेंस में लगा दिया, यानी कि लोन एक्टिविटीज में लगा दिया। तो अभी हम इस चैप्टर में लोन एक्टिविटीज वालों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, सेंट्रल या साउथ ईस्ट एशिया में जहां पे भी फार्मिंग हुआ करती थी उसे फिनेंस किया करते थे। इंडिया में भी कई बार फिनेंसिंग करते थे, यूरोपियन बैंक से पैसा उधार लेते थे, फिर उस पैसे को आगे उधार पे देते थे, थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लेते थे, और बाद में जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा उधार देते थे, और बीच में जो अपना प्रॉफिट बनता था उससे एक पूरा सोफिस्टिकेटेड मनी ट्रांसफर का इन्होंने सिस्टम बना रखा था। अपने पेरेंट्स से पूछना हवाला क्या होता है, ठीक है, आज का ये होमवर्क है, यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स व्हाट इज हवाला मनी। वो हवाला मनी इसी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का एक प्रोडक्ट था, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज इट इज मोस्टली इलीगल नाउ इन इंडिया, बट हवाला मनी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात होती है, आप जरूर अपने पेरेंट्स से पूछना, और अगर आपको आंसर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो दे मेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मनी ट्रांसफर सिस्टम। इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करने लग गए। हैदराबादी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, ये वो लोग हैं जिन्होंने यूरोपियन कॉलोनीज में पैसा लगा के पैसा बनाया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गरीबी थी तो सब लोग ही गरीब थे, कई लोगों ने
इस गरीबी में और इस माहौल में फायदा भी उठाया और अपने पैसे भी बनाए हैं। बाय द डेवलपमेंट ऑफ पैसेंजर वेसल्स दे एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट सेलिंग लोकल इम्पोर्टेड चूरियोज एंड टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट ये जो बड़े बड़े जहाँ से लेबर माइग्रेशन होता था एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर वेसल्स बनने लगी थी तो लेबर माइग्रेशन बहुत बढ़ गया था। पहले जो है शिप्स पे लेबर नहीं ट्रांसपोर्ट होती थी इतने अच्छे मायने में। जब शिप्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लेबर और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसफर होने लगे। तो ये लोग क्या करते थे पोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशन पे बड़ी बड़ी टूरिस्ट दुकानें लगा के वहां से भी पैसा कमाते थे। तो अलग अलग तरीके थे पैसे कमाने के बट दीज वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स या तो इंडस्ट्री लगा के या फाइनेंसर बन के या बैंकिंग सिस्टम शुरू करके या टूरिस्ट के पैसों को एक्सप्लॉइट करके बेसिकली शॉप्स वगैरह लगा के बिजनेस बना के। ठीक है, लॉट ऑफ अदर स्टफ, इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। एक सेकेंड, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं मैं भूल गया। वो वाला टॉपिक है, वो वाला टॉपिक है, वेरी नाइस, इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा जो कॉलोनाइजर था यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सिर्फ भारत इकलौती कॉलोनी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पैसा था, ब्रिटेन पे कई सारे कंट्रीज का कर्जा भी था और ब्रिटेन ने कई सारे कंट्री को कॉलोनाइज भी कर रखा था। तो हालत हर जगह एक जैसी नहीं थी। और आप जानते हो कि इंडिया का कॉटन पूरी दुनिया में फेमस था। इनफैक्ट जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया हम यही बात दोहरा रहे हैं कि इंडिया का कॉटन पूरी दुनिया में फेमस हुआ करता था सिल्क रूट के ज़माने से, है ना। तो हमारा जो कॉटन है वो यूरोप में भी एक्सपोर्ट हुआ करता था, चाइना में भी जाता था, अफ्रीका में भी जाता था, हर जगह जाया करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गया, हमारे यहाँ तो आ नहीं पाया ना, हमारे ऊपर तो कब्जा जमाए बैठे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन ने अपने यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, अपने यहाँ के प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, कॉटन प्रोड्यूसर कॉटन इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के लिए हमारे यहाँ से कॉटन प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में जाने करवा दिए बंद। या तो उन पे टैक्स इतना बढ़ा दिया कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ से कॉटन मंगाना बंद कर दिए, या फिर उन्होंने बिल्कुल ही बंद करा दिया हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट टू द यूरोप। इससे क्या हुआ कि हमारा इंडियन कॉटन जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ करता था अब उसका बाहर के देशों में बिकना हो गया बंद। यूरोप एक देश नहीं है ना बच्चा, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप से हमारा मेजोरिटी पैसा आया करता था। जब यूरोप ने ऐसा सिस्टम चालू कर दिया तो इंडिया का फायदा होना हो गया बंद। हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल है उसे बहुत ज्यादा कंपटीशन आना शुरू हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा जो कपड़ा है वो तो हाथ से बना हुआ होता था, महंगा मिलता था। ब्रिटेन जो है अपना कपड़ा जो है मशीन से बना रहा था, इंडस्ट्रीज में बना रहा था, ब्रिटेन का कपड़ा सस्ता हुआ करता था। तो हमारे कपड़े को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया, ऊपर से हमारे कपड़े का यूरोप में उन्होंने जाना बंद करा दिया। तो हमें चारों तरफ से घेर रखा था। 1800 में हमारा 30% जो है एक्सपोर्ट जो है हुआ करता था कॉटन टेक्सटाइल का। 1815 आते आते ये 15% रह गया और 1870 आते आते हमारा जो एक्सपोर्ट है कॉटन टेक्सटाइल का वो सिर्फ 3% रह गया। 30% से 3% हमें कितना लॉस हुआ है, ऑल थैंक्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन रैपिडली, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज इक्वली फास्ट। गेम समझिए, आप गेम समझिए, ब्रिटेन में चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप क्या बना रहे हो, पैंट बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, है ना, ये सब बना रहे हो, कॉटन का सामान बना रहे हो। इसके लिए लगेगा क्या, रॉ कॉटन। रॉ कॉटन सस्ता आता है कि पैंट शर्ट सस्ता आता है, रॉ कॉटन सस्ता आता है। रॉ कॉटन कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। पैंट शर्ट कहाँ जा रहा है, इंडिया में जा रहा है। तो फायदा किसका ज्यादा हो रहा है, इंडिया का ब्रिटेन का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन अपना फिनिश प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में फ्लरिश करने के लिए भेज देता था और इंडिया का सामान अपने यहाँ नहीं लेता था, सिर्फ इंडिया से लेता था रॉ मटेरियल। तो 1812 से 1871 तक हमारा रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट जो है बढ़ गया, लेकिन हमारा फिनिश कॉटन का प्रोडक्ट जो है घट गया। ऊपर से हमसे इंडिगो की खेती कराई जाती थी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हमारे से नील की खेती कराई जाती थी। पता है नील अगर एक मिट्टी पे उगा दो ना, मिट्टी बंजर हो जाती है, 5-6 साल के लिए आप उस मिट्टी पे कुछ और उगा नहीं सकते। तो हमारे फार्मर्स की मिट्टी तक भी खराब की जाती थी। हमसे ओपियम भी उगाया जाता था। ये तो आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पढ़ते हो, मैं दोबारा से बता देती हूं। मान लो बच्चा ये है ब्रिटेन, ये है इंडिया और ये है चाइना। तो ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, इंडिया को बोलते थे ओपियम उगाओ, ओपियम उगाओ, क्या उगाओ, ओपियम। और वो ओपियम भेजा जाता था चाइना और चाइना से बदले में ब्रिटेन लेता था चाय। इसको बोलते थे चाइना ट्रेड, ठीक है। और ब्रिटेन इंडिया से क्या लेता था, और ब्रिटेन इंडिया से लेता था रॉ कॉटन और लेता था इंडिगो, जो भी उसे चाहिए होता था लेता था, जो हमें देना होता था वो नहीं लेता था, जो उसे चाहिए होता था वो लेता था, ठीक है।
अब एक और सिस्टम में समझाती हूँ, जब तक ये समझोगे नहीं ना ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। ट्रेड सरप्लस क्या होता है आप खुद सोचो। आप एक सामान खरीदोगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, लेकिन अगर आप एक सामान बेचोगे तो आपकी जेब में पैसा आएगा। तो सेल करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है कि बाय करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है? ऑब्वियसली सेल करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, पैसे जेब में आने चाहिए। तो ब्रिटेन, कोई भी देश फॉर दैट मैटर, एनी कंट्री, एक्स वाई जेड कंट्री, अगर एक्सपोर्ट करेगा तो वो क्या करेगा, सामान बेचेगा। एक्सपोर्ट इज लाइक सेलिंग। और अगर वो सामान इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट इज लाइक खरीदना, यानी कि लाइक बाइंग। तो पैसा किस में ज्यादा है, एक्सपोर्ट में कि इंपोर्ट में? द आंसर इट एक्सपोर्ट में ज्यादा है। अब समझो, ट्रेड सरप्लेस का मतलब होता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है, यानी कि प्रॉफिट। और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है बच्चा? ट्रेड डेफिसिट होता है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, यानी कि लॉस। इतनी बात समझ आई? इंपोर्ट में आप सामान जो है बाहर के देशों से खरीदते हो तो आपको लॉस होता है, आपका पैसा वेस्ट होता है। ठीक है, अब पढ़ो। लेट 19th सेंचुरी में इंडिया ने एक वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रूशियल रोल प्ले किया, कैसे वो समझते हैं। फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल जो है पूरी दुनिया में, स्पेसिफिकली ब्रिटेन में कहाँ से जा रहा था, इंडिया से जा रहा था। तो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटेन का इंडिया में चल रहा था ट्रेड सरप्लस, यानी कि ब्रिटेन जो है इंडिया में एक्सपोर्ट ज़्यादा दे रहा था, हमारे इंडिया से इंपोर्ट कम ले रहा था। रॉ मटेरियल ज़रूर ले रहा था, लेकिन हमें दे रहा था वो फिनिश प्रोडक्ट। तभी तो गांधी जी को नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चलाने पड़े ना, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ सामान बहुत यूज़ करने लग गए थे। तो ब्रिटेन का चल रहा था इंडिया में ट्रेड सरप्लस, मतलब इंडिया के साथ ट्रेड करके ब्रिटेन को हो रहा था प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को ब्रिटेन बाकी कंट्रीज के साथ अपने कर्जे को पाटने में इस्तेमाल करता था। बाकी जिस भी कंट्री से ब्रिटेन का ट्रेड डेफिसिट था, कर्जा था, उसे वो इस प्रॉफिट से पाटता था। दूसरा, वो बाकी कंट्रीज के साथ अपना कोई भी सेटलमेंट करना होता था तो इंडिया के थ्रू करता था। बोलता था कि हम पैसे नहीं देंगे, हमसे ओपियम ले लो, और ओपियम कहाँ उगाता था, इंडिया में उगाता था, फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ ट्रेड। तीसरा, इसी ट्रेड सरप्लस से जो फायदा होता था वो ब्रिटेन हमारे इंडिया में काम करने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट की सैलरी देने में निकालता था, जिसे वो बोलता था होम चार्जेस। ब्रिटेन ने अपने देश से कई सारे ऑफिशियल लगा रखे थे ना, इतने सारे वॉइसरॉयज, इतने सारे लॉर्ड्स हमारे इंडिया में बिठा रखे थे, उनकी सैलरी कहाँ से आती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद से नहीं देती थी, वो हमारे ट्रेड सरप्लस के प्रॉफिट में से निकाला जाता था होम चार्जेस कह के। इनफैक्ट ये जब ये लोग रिटायर भी हो जाते थे और अपने घर वापस जाते थे ना, इनकी पेंशन भी यहीं से निकाली जाती थी बच्चा। That include private remittances, home at British official, trader, interest payment, India's external debt, pension of British official, all of that. सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ट्रेड सरप्लस से आ रहा है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। सो आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अनदर सेंचुरी विच इज इंटर वॉर इकोनॉमी। 20वीं शताब्दी में हमने दो विश्व युद्ध देखे। एक विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, जिसको बोलते हुए वर्ल्ड वॉर नंबर वन। एक विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945, जो आपने नाजिज्म चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ा था, जिसे आप बोलते हो वर्ल्ड वॉर नंबर 2। अब आपका सवाल होगा, मैम वर्ल्ड वॉर नंबर 3 का क्या? नहीं, वर्ल्ड वॉर नंबर 3 नहीं हुआ, और भगवान करे हो भी ना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो जो पहला विश्व युद्ध है वो मेनली यूरोप ने लड़ाई की थी, और यूरोप ने क्यों लड़ाई की थी, यूरोप को लालच था कि जितने देशों पे कब्जा कर सको कर लो, सारे रिसोर्सेस हड़प लो। ठीक है, तो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। अब इस दौरान क्या हुआ था, दुनिया ऑलरेडी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रही थी, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बदल रही थी, ग्लोबलाइजेशन जो है अपने पैर फैला रहा था, और इसी टाइम पे दुनिया में छिड़ गई वर्ल्ड वॉर नंबर 1। जब वर्ल्ड वॉर नंबर 1 छिड़ी थी बच्चा, तो लोगों को लगा था यार क्रिसमस तक बंद हो जाएगी, अगस्त से चलिए ज्यादा से ज्यादा क्या है दिसंबर तक लड़ाई लड़ेंगे ये लोग। नहीं, वर्ल्ड वॉर नंबर 1 चार साल से ऊपर चलती रही, 1914 से 1918, मोर देन 4 इयर्स वर्ल्ड वॉर 1 लास्टेड। दो खेमे बन गए थे वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में, एक खेमे का नाम था एलाइज और एक खेमे का नाम था एक्सिस। एलाइज में होते थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। यूएसए ने एंट्री मारी थी, लेकिन यूएसए ने काफी लेट एंट्री मारी थी, इसलिए यूएसए का पैसा बच गया था। सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट हुआ था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और पता है एक्सिस पावर्स के जीतने के पूरे पूरे आसार थे। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरिया, ऑटोमन एम्पायर जिसे आज टर्की बोलते हो आप,
इन तीनों कंट्रीज के जीतने के ज्यादा आसार बन रहे थे, लेकिन जब 1917 में यूएसए ने एंट्री मारी तो फिर यूएसए ने बाजी मार ली और एलाइज जीत गए। लेकिन नुकसान दोनों तरफ हुआ था, जर्मनी के पास भी पैसे नहीं बचे थे, ब्रिटेन के पास भी नहीं, फ्रांस के पास भी नहीं, किसी के पास भी नहीं। पैसे अगर बचे थे तो वो सिर्फ बचे थे यूएसए के पास। क्यों? क्योंकि यूएसए ने लेट एंट्री मारी थी, यूएसए का कम पैसा वेस्ट हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना, ऐसा नहीं है कि इससे पहले लड़ाइयां हुई नहीं है, इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। 7 ईयर्स वॉर, 100 ईयर्स वॉर, बहुत सारी लड़ाइयां हुई। 1857 हमारी इंडिया का रिवोल्ट, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी रिवोल्ट तो था। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयां हुई नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर वन जैसी लड़ाई इससे पहले दुनिया ने देखी नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर नंबर वन एक इंडस्ट्रियल लड़ाई थी। इससे पहले दुनिया में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लड़ाई होती थी तो मैकेनिकल चीज़ों से हुआ करती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर वन ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचाई। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर नंबर वन में पहली बार दुनिया में टैंक का इस्तेमाल किया गया, मशीन गन का इस्तेमाल किया, एयरक्राफ्ट, उड़ते उड़ते बॉम्ब गिराए गए, केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। दुनिया ने ये सब इससे पहले देखा ही नहीं था। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट किया। आपको पता है नेशनलिज्म इन इंडिया में, आप पढ़ते हो, इंडिया से भी लोगों की जबरदस्ती भर्ती कराई थी ब्रिटेन ने अपनी आर्मी में। इंडिया के पता है कितने लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर नंबर वन में? बेफालतू में। हम तो वर्ल्ड वॉर नंबर वन में हिस्सा भी नहीं लेना चाहते थे, तब भी हम मर गए। ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स को घर से निकाल निकाल के आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कराया गया। तो ऑब्वियसली जो जो देश वर्ल्ड वॉर नंबर वन में पार्टिसिपेंट थे, उन देशों में लेबर की शॉर्टेज हो गई। भैया आपके सारे एबल्ड बॉडी मैन, मतलब कि ऐसे लोग जिनके बॉडी में कोई विकार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे तो लड़ने चले गए सोल्जर बन के। तो घर में काम कौन करेगा? फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? घर में हो गई लेबर शॉर्टेज। ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो 90 लाख लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर नंबर वन में और 200 लाख लोग, 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए। कोई फायदा हुआ इसका? कुछ फायदा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज विद रिड्यूस। तो मोस्टली आर्मी में कौन जाता है? सोल्जर्स कौन बनते हैं? जो वर्किंग एज में होते हैं ना, जो जो जवान लोग होते हैं। तो जवान लोग लेबर के लिए भी चाहिए, जवान लोग आपको सोल्जर बनने के लिए चाहिए। सारे जवान लोग जाके सोल्जर बन गए, तो फिर घर में हो गई लेबर की शॉर्टेज। और जो बचे कुछ लोग जिंदा वापस आए लड़ाई से, वो वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद इतना शॉक में थे कि वो काम करने की हालत में ही नहीं थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे कितने सारे सोल्जर्स बेचारे। ठीक है, इसे बोला जाता है शेल शॉक सिंड्रोम, कभी गूगल पे जाके सर्च करना। चलो, सोसाइटीज वर रीऑर्गेनाइज। औरतों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था, सारे आदमी तो इन सारी कंट्रीज में चले गए थे सोल्जर बनने। औरतों को घर भी देखना पड़ रहा था, बच्चे भी देखने पड़ रहे थे, और बाहर जाके काम भी करना पड़ रहा था। इंडस्ट्रीज जो है रीस्ट्रक्चर हो रही थी, इंडस्ट्रीज जो है ज्यादा से ज्यादा सामान बना रही थी जो वॉर से रिलेटेड था। जूट के बैग बनाए जा रहे हैं, वाटर बॉटल बनाई जा रही है, स्लीपिंग बैग्स बनाई जा रही हैं, गन्स बनाई जा रही हैं, बुलेट्स बनाई जा रही हैं। लेकिन देश में जो बाकी चीजें चाहिए उनका प्रोडक्शन उस टाइम के लिए रुक गया था, क्योंकि जब भी कोई कंट्री वॉर पे जाती है तो उसकी प्रायोरिटी बन जाती है वॉर, जीतना प्रायोरिटी बन जाता है बाकी चीजें थोड़ी टाइम के लिए स्लो हो जाती हैं। तो घर में, मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड वॉर नंबर वन में हिस्सा लिया था, उनके घर की इनकम हो गई थी कम। वॉर के बाद भी उनको संभलने का चांस नहीं मिल पाया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर नंबर वन किसी ने सोचा ही नहीं था बच्चा कि 4 साल चलेगी। तो नो कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड फॉर सच अ बिग वॉर। जिन कंट्रीज ने लड़ाई छेड़ी भी थी उन्हें भी नहीं पता था कि 4 साल तक चल जाएगी। ठीक है, अब ब्रिटेन ने लड़ाई, क्योंकि ब्रिटेन भी नहीं सोचा था, ब्रिटेन ने सोचा 1-2 साल लड़के आ जाएंगे वापस। 4 साल में ब्रिटेन ने खुद के पैसे तो खत्म कर दिए। अब ब्रिटेन को यूएसए ले लेना पड़ गया उधार। बहुत सारी कंट्रीज ने यूएसए से उधार लिया। आपने क्लास 9th में नाजीज्म चैप्टर में पढ़ा है, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर नंबर वन खत्म होने के बाद भी डावेस प्लान नाम के प्लान से यूएसए ने जर्मनी को पैसे देने थे। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज में बता रही हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि यूएसए के पास थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे, यूएसए सबको इधार उधार देता फिरता था। तो यूएसए वर्ल्ड वॉर नंबर वन से पहले इंटरनेशनल डेटर हुआ करता था, मतलब वर्ल्ड वॉर नंबर वन से पहले यूएसए को कर्जे की जरूरत पड़ती थी क्योंकि बाकी देश इतने ज्यादा अमीर थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद यूएसए इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। कर्जा लेना तो छोड़ो, कर्जा दे रहा था। रिजल्ट हुआ, रिजल्ट क्या निकला? वर्ल्ड वॉर नंबर वन खत्म हुई, ब्रिटेन और यूएसए जीत गए, लेकिन यूएसए के पास पैसा बचा, ब्रिटेन का पैसा हो गया था खत्म। इनफैक्ट कितनी सारी कंट्रीज थी जिसने यूएसए से कर्जा लिया था, तो वो यूएसए को पैसे के फॉर्म में तो कर्जा चुका ही नहीं पाई क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। उन बेचारी कंट्रीज ने अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है, लैंड का हिस्सा जो है, यूएसए के नाम कर दिया। तो यूएसए के पास, जो आप इतनी सारी ओवरसीज टेरिटरीज देखते हो दुनिया में, वो कहाँ से आई? वो वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद उसने कर्जा दे दे के इकट्ठी की थी। कैश अ काइंड कुछ भी दे दो पर कर्जा वापस तो करो, राइट? पोस्ट वॉर रिकवरी। अब पोस्ट वॉर रिकवरी का मतलब है कि वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद जिन देशों ने पार्टिसिपेट किया था, स्पेसिफिकली ब्रिटेन, उन्होंने अपनी रिकवरी कैसे की? पहली बात तो यह है कि ब्रिटेन की हालत काफी टाइट थी,
ब्रिटेन जो दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज में काउंट होता था प्री वॉर एरा में, वो वर्ल्ड वॉर नंबर वन की वजह से एक तरीके से क्रिपल हो गया था। बहुत लंबी क्राइसिस चली ब्रिटेन में, आज जाके ब्रिटेन अपने पैर संभाल पाया है, वरना ब्रिटेन की हालत वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद तो काफी खराब थी बच्चा। ब्रिटेन ने प्री ऑक्यूपाइड, जब ब्रिटेन वॉर में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, जब वो लड़ाई लड़ने में बिजी था, तो जापान और इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड में थोड़ा थोड़ा अपने पैर फैलाने शुरू कर लिए थे। इससे पहले तो ब्रिटेन ने फैलाए हुए थे। अब इंडिया ने क्या किया था कि इंडियन मार्केट कैप्चर कर ली थी, जापान ने अपनी मार्केट कैप्चर कर ली थी। ब्रिटेन को लगा कि मैं तो बस जा रहा हूँ वॉर लड़के आऊंगा, जब मैं आऊंगा लड़के तो मेरी सीट तो खाली मिलेगी। सीट तो भर गई, सीट पे तो इंडिया और जापान बैठे हुए हैं, अब ब्रिटेन कहाँ बैठे। अब ब्रिटेन चला गया बहुत ही बड़े डेट में। डेट का मतलब कर्जा, एक तो घर में पैसा नहीं है, दूसरा सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है। अब कर्जा कैसे चुकाएं, इकोनॉमी की तो हालत खराब है, आपका ट्रेड जो है एक तरीके से बंद हो गया है, आपकी पोजीशन जो है, सीट जो है किसी और ने घेर ली है। तो अब हुआ इकोनॉमिक बूम, डिमांड बढ़ गई एकदम से सारे सामान की, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं पा रहा था, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब जितने लोग गए थे आर्मी में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ने या यूरोप के बाकी देशों की तरफ से लड़ाई लड़ने, वो एकदम से जब घर वापस आए तो उन्हें जॉब्स चाहिए थी। इतनी जॉब्स तो मार्केट में थी ही नहीं, जब आप जॉब करने चले गए थे तो आपकी जॉब तो किसी और को दे दी गई थी, मोस्टली वेमेन को दे दी गई थी। अब आप वापस आ गए हो तो आपकी जॉब आपको थोड़ी वापस मिलेगी, अब घर पे बैठो आप, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद बढ़ गई थी। गवर्नमेंट ने वॉर पे एक्सपेंडिचर करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तो वॉर उनकी प्रायोरिटी थी, वॉर पे खर्चा हो रहा था। जब लड़ाई बंद हो गई तो वॉर पे खर्चा करना बंद कर दिया, सोल्जर्स को तनख्वाह आनी बंद हो गई, सोल्जर्स और सोल्जर्स के घर जो है अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे, गरीबी फैलती जा रही थी। 1921 में ब्रिटेन की हालत इतनी खराब थी कि हर पांचवा व्यक्ति ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयड था। ये ब्रिटेन की बात हो रही है, सोचो, एक ऐसा देश जिसने अभी 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा था, वहां पे गरीबी फैली हुई थी। अब बात आती है यूएसए क्या कर रहा था। यूएसए पे आते हैं, पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। वॉर से पहले जो हमारे यूरोप का ईस्टर्न हिस्सा था वो दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया करता था, लेकिन जब ये सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी, जब यूरोप जो है वॉर लड़ने में बिजी था, तब ये जो पोजीशन है लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर की, ये कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने बांट ली थी आपस में, राइट। तो जब वॉर खत्म हुई तो यूरोप को लगा कि यूरोप अपनी पोजीशन जो है रीगेन कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट यूरोप में हड़बड़ी में अपना वीट उगाना शुरू कर दिया। यूरोप को लगा यार सबसे पहले तो ना हम अपने देश में ना वीट ज्यादा उगाते हैं, हम अपनी पुरानी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। पुरानी पोजीशन तो ऑक्यूपाई हुएगी नहीं, इनफैक्ट इससे प्रॉब्लम पता है क्या हुई, कनाडा ऑलरेडी वीट उगा रहा था, अमेरिका ऑलरेडी वीट उगा रहा था, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वीट उगा रहा था, पूरे यूरोप ने भी वॉर खत्म होकर फिर से वीट उगाना शुरू कर दिया। दुनिया में इतना ज्यादा वीट हो गया कि वीट क्या डिमांड कम थी लेकिन सप्लाई बढ़ गई। बच्चा जब भी किसी चीज की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, प्राइसेस नीचे जाते हैं। तो वीट इतना ज्यादा मिल रहा था जितना लोगों को चाहिए ही नहीं था, तो वीट के प्राइसेस घट गए। आपने ये नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा है कि 1920s में हमारे इंडिया में भी फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरल प्राइसेस हो गए थे कम, ग्रेन के प्राइसेस घट गए थे, रूरल इनकम जीरो हो गई थी, फार्मर्स के ऊपर भी कर्जा चढ़ता जा रहा था, क्योंकि फार्मर्स प्रोडक्शन तो कर रहे थे लेकिन इतने प्रोडक्शन की वर्ल्ड मार्केट में जरूरत ही नहीं थी। अब बात करते हैं और अमेरिका की, एक सेकेंड। हाँ जी, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इम्पैक्ट ऑफ वॉर इन यूएस। ऐसा नहीं है कि यूएसए का घाटा नहीं हुआ था या यूएसए के पैसे नहीं घटे थे, यूएसए का भी नुकसान हुआ था, लेकिन यूएसए ने वॉर के बाद रिकवरी जो है बड़ी फास्ट कर ली थी दिमाग लगा के। यूएसए वॉज लकी ऑल्सो दैट वे, ठीक है। तो आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूएसए इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 20s। देखो बच्चा, 1914 से 1918 में चली लड़ाई, 1918 से 1920 में यूएसए को हुआ घाटा, 1920 से 1927 तक 7 साल यूएसए ने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा। 1927 के बाद यूएसए की हालत हो गई एकदम से खराब, एकदम से। वो भी हम सब पढ़ेंगे इसमें, पहले हम ये अच्छा पीरियड पढ़ लेते हैं 1920 से 1927 का, फिर हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पे आएंगे, ठीक है। तो दो चीजें थी 1920 से 1927 के बीच में, दो अच्छी चीजें हुई यूएसए में, एक मास प्रोडक्शन, दूसरा मास कंजम्पशन। मास प्रोडक्शन क्या होता है, जब आप इतना सामान बनाते हो कि आप बहुत सारे लोगों को सप्लाई कर पाओ,
मास कंजम्पशन क्या होता है, जब सारी दुनिया मास कंज्यूम करने पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आईफोन है तो दुनिया में पता नहीं कितने लोगों के पास आईफोन है, मेरे पास ये बॉटल है तो पता नहीं दुनिया में कितने लोगों के पास ऐसी बॉटल है। दिस इज अ मास कंजम्पशन प्रोडक्ट, राइट? और अगर मैं एक ऐसा सामान बना रही हूँ जो दुनिया के हर घर में दिख रहा है, दैट इज मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन शुरू हुआ यूएसए से, कैसे वो जानते हैं। 1920 में मास प्रोडक्शन यूएसए की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट फीचर बन गया। इसका श्रेय जाता है फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड को। फोर्ड की गाड़ियां देखी है ना आपने सड़कों पे, उनके जो फाउंडर थे उनका नाम था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को एक बात समझ आई, पहले क्या है ना, एक इंसान सारे काम करता था। मान लो अगर मैं फैक्ट्री की वर्कर हूँ और फैक्ट्री में ये बॉटल बन रही है, तो मुझे कैप लगाना भी आता था, मुझे बॉटल बनानी भी आती थी, मुझे बॉटल में मान लो ये रिम बनाना भी आता था, मुझे स्टिकर कैसे लगाना है वो भी आता था, मुझे पैकेजिंग भी आती थी। अब हेनरी फोर्ड ने बोला कि एक वर्कर को सारा काम करने की जरूरत ही क्या है ना, अगर शुभम बैठ के सिर्फ कैप बनाए तो शुभम का काम जो है एफिशिएंट भी हो जाएगा और शुभम को एक चीज में मास्टरी भी हासिल हो जाएगी, है कि नहीं। तो हेनरी फोर्ड ने इस मोटर को, सॉरी इस मोटर कह रही हूँ, इस मॉडल को नाम दिया असेंबली लाइन मॉडल। जैसे आपने कभी एयरपोर्ट गए हो या एयरपोर्ट मूवीज में देखा हो तो आपने देखा होगा कि कन्वेयर बेल्ट लगी रहती है, या मेट्रो स्टेशन पे होती है, रेलवे स्टेशन पे भी होती है आजकल, जिसपे सामान आता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप मशीन में बैग डालते हो और दूसरी साइड से वो बैग निकलता रहता है निकलता रहता है। वैसा ही कुछ मॉडल इमेजिन करो जो हेनरी फोर्ड ने बनाया था। वर्कर्स की लाइन लगी हुई है, कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, कन्वेयर बेल्ट पे एक एक आदमी जो है सिर्फ पैकेजिंग कर रहा है, एक आदमी जो है उसे डब्बे में डाल रहा है, एक आदमी जो है सिर्फ स्टिकर लगा रहा है, और इसी मॉडल को बोलते हैं असेंबली लाइन। जैसे असेंबली में बच्चे एक के बाद एक खड़े होते हैं ना, वैसे ही जब एक कन्वेयर बेल्ट पे अलग 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 वर्कर अलग 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 काम करते हैं, उसे असेंबली लाइन बोला जाता है। और इसी असेंबली लाइन मॉडल की बदौलत शिकागो में इतना अच्छा कार का एक सिस्टम शुरू हो गया, डेट्रॉइट में कार प्रोडक्शन का इतना अच्छा सिस्टम शुरू हो गया, जो आज भी डेट्रॉइट को एक तरीके से कार कैपिटल माना जाता है दुनिया की। ऑल दैट थैंक्स गोज टू हेनरी फोर्ड। द असेंबली लाइन फोर्स वर्कर टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली। अब एक वर्कर सारे काम इकट्ठे नहीं कर रहा है, एक वर्कर जो है सिर्फ एक ही काम बार 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 कर रहा है। जब बार 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 एक ही काम कर रहा है तो उसका आउटपुट बढ़ जा रहा है, पर वर्कर की स्पीड बढ़ जा रही है, उसे वो काम में इतनी मास्टरी हासिल हो जा रही है कि अगर वो काम में पहले 5 मिनट लेता था तो अब वो काम में 2 मिनट ले रहा है, राइट? अब हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन मॉडल से कार का प्रोडक्शन फास्ट हो गया है। हर 3 मिनट के इंटरवल पे आपके पास आपका सामान आ रहा है, आपको उसे असेंबल करना और फिर आगे भेजना है। अगर आप आगे नहीं भेजोगे तो आगे वाला आपको गाली देगा कि अरे भाई तेरे साइड से आया नहीं, मेरा काम रुक रहा है ना। अगर आप क्या कहते हैं, आपके साइड वाला इंसान काम नहीं करेगा तो आप उसे गाली दोगे कि अरे भाई तेरी साइड से नहीं आया। तो पूरा प्रोसेस जो है एक तरीके से एफिशिएंट हो गया था असेंबली लाइन मॉडल से। प्रॉब्लम ये थी कि पहले वर्कर्स जो है थोड़ी छुट्टी उट्टी मार लेते थे, बीच में चले जाते थे चाय ब्रेक के लिए, कॉफी ब्रेक के लिए। अब क्योंकि असेंबली लाइन पे काम हो रहा है तो अगर आप बीच में से हटे, थोड़ा बहुत भी गॉसिप करने के लिए भी हटे, तो वो असेंबली लाइन तो चलती रहेगी। अगर आपने आपका वाला पार्ट नहीं किया तो अधूरा रह जाएगा, वो आगे चला जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से लोगों का एक तरीके से मेहनत ज्यादा लगने लग गई। अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि वर्कर्स जो है नौकरी छोड़ना चाह रहे थे, उनका काम जो है बढ़ गया था, तो वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए हेनरी फोर्ड ने 1914 में उनकी जो डेली सैलरी थी, डेली वेज थी, उसे डबल कर दिया, $5 कर दिया। तो वर्कर्स भी खुश, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, आपका काम अगर बढ़ गया है थोड़ा सा असेंबली लाइन की वजह से तो आपको पैसे भी तो ज्यादा मिल रहे हैं। तो हेनरी फोर्ड ने ये दिमाग लगाया कि एफिशिएंसी बढ़ाओ, मास प्रोडक्शन करो, बेशक सैलरी डबल करनी है तो कर दो। एट द सेम टाइम उन्होंने यूनियन को, वर्कर्स की यूनियन को, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया। उन्होंने सोचा ये वर्कर्स एक साथ मिलेंगे तो आपस में जो है बिचिंग चलेगी, आपस में जो है ये लोग गॉसिप करेंगे और फिर मेरे खिलाफ जाके मेरा ये असेंबली लाइन स्ट्रक्चर बंद कराएंगे, इससे अच्छा इनका ट्रेड यूनियन ही बंद करा दो, इलीगल करा दो, बैन करा दो, ठीक है। तो हेनरी फोर्ड का ये मॉडल इतना ज्यादा कारगर हुआ कि थोड़े से दाम में वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाने के बावजूद भी पर वर्कर का जो आउटपुट निकल रहा था, जो एफिशिएंसी निकल रही थी, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा था। तो जब हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि आपने वर्कर्स की सैलरी डबल क्यों की, तो उन्होंने बोला ये तो मेरा बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था आज तक, सैलरी डबल करके भी जो फायदा हुआ है ना, वो मुनाफा तो बहुत ही आगे है। और हेनरी फोर्ड का ये मॉडल, हेनरी फोर्ड का हर जगह कॉपी हुआ, यूएसए की हर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इस मॉडल को कॉपी किया। इनफैक्ट यूरोप के बाकी देशों ने भी यूरोप के बाकी देशों ने, अमेरिका यूरोप में नहीं आता है, यूरोप के देशों ने भी इस मॉडल को कॉपी किया। इसकी वजह से सामान बनाने की जो कॉस्ट है वो हर जगह घट गई, चाहे फ्रिज बनाओ, चाहे एसी बनाओ, चाहे एसी तो नहीं होते थे तब, चाहे फ्रिज बनाओ, चाहे आप
मिक्सी बनाओ, चाहे फैन बनाओ, चाहे कार बनाओ, सब जगह पे एफिशिएंसी बढ़ गई। और जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जब एक वर्कर आपको ज्यादा काम करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली सामान के पैसे थोड़े से कम हो जाएंगे। जब आपका पैसा कम लग रहा है, तो फिर आप कम प्रॉफिट में भी जिंदा रह लोगे ना। तो जब वर्कर्स का आउटपुट बढ़ गया, तो सामान के पैसे हो गए कम, और वर्कर्स की सैलरी तो डबल हो ही गई थी। हेनरी फोर्ड मॉडल में वर्कर्स की सैलरी भी तो डबल हुई थी। तो लोगों के पास भी ज्यादा पैसा जा रहा है, और जिनकी इंडस्ट्रीज है, जिनकी फैक्ट्रीज है, उनके पास भी ज्यादा फायदा आ रहा है, और सामान भी सस्ता हो रहा है। विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन की वजह से लोग कंज्यूम भी ज्यादा कर रहे हैं। जब मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मैं एक फोन क्यों लूंगी, मैं दो फोन ले लूंगी। जब मेरे पास और ज्यादा पैसा है, तो मैं एक घर क्यों खरीदूंगी, तीन घर खरीद लूंगी, राइट? तो इसी की वजह से कंज्यूमरिज्म भी बढ़ गया। कार का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, 2 मिलियन था 1919 में, देखते ही देखते 5 मिलियन हो गया। और लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा था, तो लोग ज्यादा सामान भी खरीद रहे थे। रेफ्रिजरेटर खरीद रहे थे, वॉशिंग मशीन खरीद रहे थे, रेडियो खरीद रहे थे। और यूएसए में एक और अच्छी चीज हुई, वो था हायर परचेज। इससे पहले अगर आपको कुछ खरीदना होता था ना, पूरा दाम देना पड़ता था। अगर मुझे बॉटल खरीदनी है 20 रुपए की है, तो मुझे पूरे 20 रुपए एक साथ देने। लेकिन इसी टाइम पे, मास प्रोडक्शन के टाइम पे, 1920 से 1927 के बीच में, यूएसए और यूरोप में हायर परचेज सिस्टम शुरू हुआ। मतलब मैं किस्तों में सामान खरीद सकती थी। 20 रुपए देने की जरूरत नहीं है। 5 रुपए मैं आज दूंगी, 5 रुपए अगले महीने, फिर 5 रुपए उससे अगले महीने, फिर 5 रुपए उससे अगले महीने। 4 महीने में मैं पूरी कॉस्ट देके बॉटल अपने नाम कर लूंगी, और बॉटल तो मैं आज ही घर ले जा रही हूँ, बस मैं ईएमआई सिस्टम कर रही हूँ, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो इसी की वजह से हाउसिंग और कंज्यूमर बूम होने लग गया 1920s में। लोग घर भी ज्यादा खरीदने लगे, घर में रखने वाला सामान भी खरीदने लग गए, क्योंकि उन्हें पूरे पैसे एक बार में देने की जरूरत नहीं थी। वो धीरे धीरे करके किस्तों में पैसे दे के सामान खरीद सकते थे, जो आज भी हम लोग करते हैं। तो यूएसए में जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बहुत ही बढ़ गई 1920 से 1927 के बीच में। इसी वजह से 1923 में यूएसए लार्जेस्ट लेंडर बन गया दुनिया का। इतना पैसा आ गया था, बाकी दुनिया को पैसे दिया करता था। ये सवाल आ सकता है बोर्ड बोर्ड एग्जाम में, व्हाई डू वी से दैट यूएसए बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर इन 1920? तो ये पूरी कहानी लिखनी है, हेनरी फोर्ड का पूरा मॉडल लिखना है आपको। यूएसए इम्पोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स ऑल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। यूएसए इम्पोर्ट भी कर रहा था, जब सस्ता सामान यूएसए बाहर के देशों से मंगा लेता था, अपने देश का भारी भरकम सामान जो है एक्सपोर्ट किया करता था, और खूब पैसा कमाता था, ठीक है? ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट। 1920 से 1927 तक ही चला, 1928 आते आते हालत खराब हो गई। 1928 में तो दुनिया चली गई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से। शुरुआत हुई आपकी यूएसए से। टाइटैनिक मूवी सबने देखी है। टाइटैनिक के ऊपर जितने भी लोग थे, सब मारे गए थे, मोस्टली लोग मारे गए थे, क्योंकि टाइटैनिक डूबी तो सब लोग डूब गए। कुछ वैसा ही हुआ यूएसए के साथ। यूएसए था टाइटैनिक, यूएसए टाइटैनिक था, और उस पर खड़े हुए लोग थे बाकी कंट्रीज। तो इतनी सारी कंट्रीज यूएसए पे डिपेंडेंट थी, यूएसए के कर्जे पे डिपेंडेंट थी, कि जब यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि यूएसए का स्टॉक मार्केट किया क्रैश, तो यूएसए पे डिपेंडेंट बाकी देश भी होने लग गए क्रैश। वो आपको समझ आएगा इसमें। तो दुनिया ने एक्सपीरियंस किया कैटास्ट्रॉफिक। प्रोडक्शन रुक गया, एम्प्लॉयमेंट रुक गई, इंकम रुक गई, ट्रेड रुक गई। सिर्फ यूएसए की नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, हर जगह ये देखने को मिला। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसा आज तक हमारी दुनिया ने और कुछ नहीं देखा है। एग्रीकल्चर प्राइसेस से शुरू हुआ था। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल किए। जितने देश थे जहाँ जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंट्री दुनिया का अछूता रह गया। सारी कंट्रीज पे असर देखने को मिला ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। लेट्स स्टार्ट विद पहला फैक्टर, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान कंट्रीज ने सोचा कि यार हमारे पास पैसे कम है। अगर आपके पास पैसे कम हो, तो सबसे पहले तो आप बाहर जाके खाना खाना बंद करोगे ना। सिमिलरली कंट्रीज ने सोचा कि यार हमारे पास पैसे कम है, तो हम बाहर के देशों से प्रोडक्शन मंगाना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगाना बंद करते हैं, हम अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो सारी कंट्रीज ने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर उगाना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा फार्म प्रोडक्ट्स हो गए दुनिया में। जब बहुत ज्यादा फार्म प्रोडक्ट्स हो गए, तो फार्म प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और ज्यादा गिर गए। जितने फार्म प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिरते थे, कंट्रीज को उतना डर लगता था, और डर के मारे वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट और उगाते थी कि यार खाना तो देश में होना चाहिए ना, कम से कम खाना तो देश में होना चाहिए ना। और इस एंजाइटी के चक्कर में ग्लोबल प्राइसेस जो होते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, वो और ज्यादा गिरते थे। तो साइकिल बनता जा रहा था।
आपके पास पैसे कम है तो आपको लग रहा है खाना बाहर से ना मंगाए, खाना जो है अपना ही उगा लेते हैं, और आप इतना खाना उगा ले रहे हो कि ग्लोबल प्राइसेस और गिर जा रहे हैं, और ये विशेष साइकिल चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान। आउटकम ये हुआ कि मार्केट में, वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्लट हो गया। ग्लट मतलब एक्सेसिव खाना हो गया और खाने के प्राइसेस गिरते गए। बायर्स कम थे, खाना ज्यादा था, खाना सड़ रहा था। 1929 में खाना सड़ रहा था, लिटरली सड़ रहा था, खाने के लिए लोग नहीं थे इतने दुनिया में। दूसरा, यूएसए की हालत टाइट थी, यूएसए की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यूएसए की मार्केट, यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो जब आपके पास पैसे कम है, सबसे पहले आप बाकी लोगों को उधार देना कम करोगे ना, तो यूएसए ने सेम चीज किया। यूएसए ने mid-1920s में बाकी कंट्रीज को उधार देना कर दिया बंद। अब यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर था, जब लेंडर ने ही पैसे देने बंद कर दिए तो बाकी देश कैसे चलेंगे, है ना, बाकी देश आ गए ट्रबल में। यूएसए का 1928 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्टिंग में, एक स्टार्टिंग में भी नहीं, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से जस्ट 1 साल पहले यूएसए कुछ नहीं, कुछ नहीं तो $1 बिलियन जो है लेंड करता था एटलीस्ट। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान ये 1 बिलियन का आधा, एक चौथाई हिस्सा होके रह गया। तो मतलब बाकी देशों पे इफेक्ट आया। बाकी देश जो यूएसए पे डिपेंडेंट थे वो अक्यूट क्राइसिस, यानी कि वो बिल्कुल ही प्रॉब्लम में चले गए। यूएसए भी प्रॉब्लम भी था, यूएसए में भी प्रॉब्लम थी, बाकी देशों में भी प्रॉब्लम था। यूरोप, जो मेजोरिटी जो है यूरोप के सारे बैंक्स यूएसए के बैंक्स पे डिपेंडेंट थे, तो यूएसए के बैंक्स ने लोन देने बंद कर दिए बाकी बैंक्स को, तो यूरोप के बैंक जो है बैंकरप्ट हो गए। यूरोप की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है यूएस डॉलर के टर्म्स में वो कम हो गई, ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू है वो घटने लग गई। लैटिन अमेरिकन जैसे कंट्रीज जो सिर्फ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी वो तो बिल्कुल ही नष्ट हो गई, बिल्कुल ही खराब हो गई। यूएसए ने डेफिनेटली ट्राई किया अपनी इकॉनमी को बचा के, उसने इम्पोर्ट की ड्यूटीज बढ़ाई ताकि टैक्स बढ़े, ताकि टैक्स ज्यादा आए तो कंट्री के पास ज्यादा पैसा हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ा नहीं। यूएसए ने हाथ पैर बहुत मारे पर बहुत कुछ असर पड़ा नहीं। इनफैक्ट देखते ही देखते यूएसए के पास इतना कम पैसा हो गया कि 1930 और 31 आते आते यूएसए ने घर के लोगों को पैसा देना भी बंद कर दिया। बाहर के देशों को तो आप नहीं दे रहे हो, घर में भी आपने लेंडिंग एक्टिविटीज, डोमेस्टिक लेंडिंग एक्टिविटीज को कम कर दिया। तो घर में भी जब आप पैसे नहीं दे रहे हो तो जिन लोगों ने ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदा हुआ था इतना सारा मास कंजम्पशन करने के लिए, वो लोग बेचारे किस्त नहीं दे पा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट थी, कंपनीज बंद हो रही थी, बैंक्स बंद हो रहे थे, लोन नहीं मिल पा रहा था, तो आप अपनी किस्त के पैसे नहीं दे जा रहे थे। जो भी सामान आपने खरीदा था ना वो सामान आपको बेचना पड़ जा रहा था। तो एकदम से अर्श से फर्श वाली सिचुएशन हो गई थी कि आप एकदम से आसमान से नीचे गिरे थे। लोग अपना पैसा चुका नहीं पा रहे थे, घर वर की किस्त भी नहीं दे पा रहे थे। इनफैक्ट 1920s के अर्ली में, स्टार्टिंग में जो यूएसए में जितना डेवलपमेंट आया था वो एक झटके में डस्ट हो गया। पफ ऑफ डस्ट मतलब हवा हो गया वो सारा का सारा डेवलपमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई कि हर घर में कम से कम 2-3 लोग अनएम्प्लॉयड देखने को मिलते थे। लोग दूर दराज भी काम करने के लिए तैयार थे। अब उन्हें मतलब नहीं था कि अफ्रीका में काम मिल रहा है कि इंडिया में काम मिल रहा है, काम मिल रहा है तो लोग हजारों मील दूर जाके भी काम करने के लिए तैयार थे। यूएसए का बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। इन्वेस्टर्स पैसा मांग रहे थे, लोन देने के लिए पैसा नहीं था, जिन लोगों ने कर्जा ले रखा था वो कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, बैंक्स बंद हो रहे थे, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी। पता है 1933 में 4,000 बैंक बंद हुए थे, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और उसी साल मतलब 3 सालों के अंदर, 1929 से 1932 के अंदर 1,10,000 कंपनीज बंद हुई थी। बच्चा सोच के देखो, 2 सेकंड लो, सोच के देखो, 1,10,000 कंपनीज बंद हो गई थी। तो कितने लोग इन कंपनीज में काम करते रहे होंगे, कितने लोग एक झटके में अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे, और मार्केट में जॉब्स तो वैसे भी नहीं थी। 1935 आ मॉडर्न इकोनॉमिक रिकवरी वॉज अंडर वे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। बहुत साल लगे, 1929 से 1935 तक दुनिया जो है बस ये नज़ारा ही देखती रही। फिर 1935 के बाद दुनिया में धीरे 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 रिकवरी होनी शुरू हुई, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। लेकिन जो प्रभाव पड़ा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का लोगों की जिंदगियों में, वो प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग से नहीं गुजरा। सोचो अगर हम उस जमाने में पैदा हुए होते तो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 भी देखने को मिलती, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी देखने को मिलता, और ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिलती, उससे अच्छा तो कोरोना देखने को मिल रहा है, राइट? वो तो मतलब जमाना ही अलग था, विपदा ही विपदा, चारों तरफ से विपदा दिख रही है आपको। अब इंडिया की बात करते, इंडिया इंडिया की तो हालत वैसे भी थोड़ी खराब चल रही थी ना, हम पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी, तो बाकी दुनिया का जो दुख चल रहा था वो तो दुख हमारा भी था, हमारा अपना भी बहुत सारा दुख था।
If we look at the impact of the depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. जब हम इंडिया पे ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन का इम्पैक्ट देखते हैं तो हमें समझ आता है कि 20वीं शताब्दी आते आते कितनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई थी दुनिया, कितनी ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी बन गई थी. तभी तो यूएसए के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश होने के ट्रेमर्स मतलब झटके इंडिया में भी देखने को मिले थे. इंडिया के लोगों की जिंदगियों में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, हर जगह देखने को मिले थे. 19वीं शताब्दी में कॉलोनियल इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई थी एग्रीकल्चर गुड्स का और इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, इंडिया की ट्रेड ऑब्वियसली इससे इफेक्ट हुई. हम जो है अपने एग्रीकल्चर के लिए माने जाते थे. कॉलोनियल इंडिया सबसे बड़ा रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर था, हम अपने एग्रीकल्चर के लिए माने जाते थे. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान दुनिया ने एग्रीकल्चर अपना अपना उगाना शुरू कर दिया, तो हमारे फार्मर्स का ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारे शहर में रहने वाले लोगों का कम नुकसान हुआ. तो 1928 से 1934 यानी कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का वो कम हो गया, हमारा इंपोर्ट भी कम हो गया. भाई बाहर से सामान भी तब मंगाओगे ना जब जेब में पैसा होगा. जेब में पैसा है ही नहीं, बाहर सामान नहीं बेच पा रहे हो तो जेब में पैसा आएगा कहाँ से? जेब में पैसा है नहीं तो सामान मंगाओगे कैसे? तो एक्सपोर्ट भी कम हो गया, इंपोर्ट भी कम हो गया. ऊपर से हमारे देश में चल रही होती थी तब नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस जैसी मूवमेंट, और उस मूवमेंट में हम वैसे भी बाहर के देशों से सामान मंगवाते थे भी. ठीक है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस हमारे एग्रीकल्चर के कम हो गए और हमारे इंडिया के जो वीट प्राइसेस थे वो 50% से ज़्यादा गिर गए. तो फार्मर्स का तो नुकसान ही नुकसान, फार्मर सफर कर रहे थे, पैसेंट सफर कर रहे थे. अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को कम नुकसान हुआ था, फार्मर्स को ज़्यादा हुआ था. एग्रीकल्चर प्राइसेस ज़्यादा रुके थे. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिमांड को ख़त्म करने से बंद कर दिया था. भाई अगर आपके कंट्री के लोगों के पास पैसा नहीं है, फार्मर्स के पास पैसा नहीं है, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं था. ब्रिटेन की अपनी अलग वहाँ पे हालत ख़राब थी, तो ब्रिटेन को लग रहा था नहीं, हम टैक्स तो आपसे वसूलेंगे ही वसूलेंगे. और इंडियन फार्मर्स पर सारा प्रेशर आ रहा था. तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं गांधी जी की मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि दुखी इंसान क्या करेगा, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, है ना? तो पेजेंट्स ने जो है वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना खत्म ही कर दिया था एक तरीके से. उनको अच्छे प्राइसेस तो मिल नहीं रहे थे. जूट प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं. जूट प्रोड्यूसर्स का एक एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, क्योंकि फार्मर्स के साथ क्या हालत हुई वो हम यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं. दे ग्रू रॉ जूट दैट वॉज प्रोसेस इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ गुनीबिग्स. तो देखो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्या हुआ था कि हमारे देश से रॉ जूट जाया करता था, क्योंकि रॉ जूट का वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत काम होता था. जूट बैग्स वगैरह, गनी बैग्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनती थी. अब एकदम से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, ऊपर से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, तो हमारे जूट का जो एक्सपोर्ट था रॉ जूट का वो कम हो गया. 60% से भी कम हो गया हमारे रॉ एक्सपोर्ट का जूट. तो जितने सारे फार्मर्स ने, उनको लगा था यार वर्ल्ड वॉर 1 चलेगी, हम तो खुश हो गए थे, हम तो जूट प्रोड्यूस कर रहे थे. तो जितने सारे फार्मर्स ने लोन लिया हुआ था कि और जूट प्रोड्यूस करेंगे और जूट प्रोड्यूस करेंगे, वो कर्जे में चले गए, क्योंकि जूट की डिमांड तो बंद हो गई एकदम से और कर्जा सर पे आपके चढ़ा हुआ है. सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, घर की औरतों की सारी ज्वेलरी बेच के पैसे खा लिए गए थे, सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी गई थी, सारा लैंड खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था फार्मर्स के पास, इतनी खराब हालत थी. तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले फार्मर्स की ज़्यादा हालत टाइट हुई थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, शहर में रहने वाले लोगों की हालत थोड़ी कम टाइट हुई थी. और इंडिया का ये जो मेटल है, क्योंकि जब हमारे पास एक तरीके से पैसे नहीं बचे थे, इतनी हालत ख़राब थी, तो लोग अपने घर का सोना बेच रहे थे. और ये सोना कहाँ जा रहा था? ये सोना वर्ल्ड मार्केट में जा रहा था. बेच रहे हो तो कहीं तो जाएगा ही ना. तो ये इंडिया का सोना ही था जो इंडिया के गरीबी में फंसे हुए लोगों ने इतना सोना बेचा है कि वो सोना पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुआ है. और उस पूरे सोने ने, चांदी ने दुनिया को ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से निकाला है. तो ये जॉन मेयर्ड कीने से, दुनिया के वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जो बोलते हैं कि इंडिया का अगर गोल्ड नहीं होता तो शायद दुनिया कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन से रिकवर नहीं कर पाती. हमारी गरीबी में दुनिया का फायदा हो रहा था, क्योंकि हमें सोना बेचना पड़ रहा था. दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पेजेंट. तो हमारी हालत तो खराब हो रही थी, हमारे घर से तो सोना भी जा रहा था, लेकिन दुनिया रिकवर कर रही थी. रूरल इंडिया वो द सीडिंग विद अनरेस्ट. महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इसी टाइम पे महात्मा गांधी ने एकदम रामबाण इलाज ढूंढा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की. तभी आप देखते हो कि नॉन कॉपरेशन और सीडीएम में फार्मर्स का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है. वरना इससे भी पहले कई सारी मूवमेंट्स हुई थी, उसमें फार्मर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि फार्मर्स जितना दुखी हुए थे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में, उतना इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में फायदा देखने को मिलता था. चलो
द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया, फेलिंग प्राइसेस दोज विद इनकम टैक्स एक्स टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव रेंट्स एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज नाउ फंड देमसेल्व्स बेटर ऑफ. तो शहरों में रहने वाले लोगों का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था, वैसे भी चीजों के सामान के प्राइसेस जो है घट गए थे, तो जिन लोगों के थोड़े बहुत रेंट वेंट से पैसे आते थे मार्केट में, वैसे ही चीजों के प्राइसेस घट गए थे, तो उनका इतना नुकसान नहीं हुआ था. एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी चीप इन द मार्केट, फार्मर्स का ही नुकसान हुआ था. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही थी, गवर्नमेंट जो है टैरिफ प्रोटेक्शन को रिमूव कर चुका था, तो ओवरऑल इंडिया पे इफेक्ट जो है थोड़ा अलग था. जल्दी से इसे सम अप कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इंडिया पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का क्या असर था. फार्मर्स का बुरा हाल था क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस घट गए थे. फार्मर्स का बुरा हाल था क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही घट गया था. इंडिया में रहने वाले अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों का इतना बुरा हाल नहीं था क्योंकि उनके पैसे अलग जगह से आते थे, रेंट वगैरह से आते थे, और मार्केट में सामान जो है ऑलरेडी सस्ता था. इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ प्रोटेक्शन एक्सटेंड कर दिया था, मतलब कि बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट आना हमारी कंट्री में बंद हो गया था, तो हमारे इंडस्ट्रीज ने सोचा ये सही मौका है, इंडस्ट्रीज को ग्रो कर लिया जाए. ये चार पॉइंट आपको याद होने चाहिए. इसके अलावा एक पॉइंट ये भी बनता है कि महात्मा गांधी ने इस मौके को इस्तेमाल करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था. पांच पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट, रीबिल्डिंग अ वॉर इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं कि इन दोनों लड़ाइयों के बाद दुनिया में क्या हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई सिर्फ 2 दशकों बाद. दुनिया ने सोचा नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी, फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई. इसमें भी दो खेमे बने, उसमें बने थे एलाइज, इसमें भी बने एलाइज, उसमें बने थे एलाइज और सेंट्रल पावर, इसमें बने एलाइज और एक्सिस पावर. एलाइज में आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ऐड हो गया था और यूएसए तो था ही था. एक्सिस में आते थे नाजी जर्मनी, यानी कि हिटलर वाला जर्मनी, पेन कहाँ गया, जापान और इटली. ये वॉर भी काफी लंबा चला, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी लंबा चला, 1939 से 1945, 6 साल तक लड़ाई लड़ते रही दुनिया, बहुत सारे लोग मारे गए, लैंड पे भी चल रही थी, सी पे भी चल रही थी, हवा से भी बॉम्ब गिराए जा रहे थे. 60 मिलियन पीपल, यानी कि 600 लाख लोग जो हैं दुनिया की, तब की 3% जनता जो है मर चुकी थी एक लड़ाई में. सोचो आप, 3% जनता मर गई, और इससे कई ज्यादा लोग तो इंजर्ड होके घर बैठे हुए थे, और उससे भी कई ज्यादा लोग तो शॉक में थे कि ये क्या हो गया, कितना लॉस और कितना डिस्ट्रक्शन होगा. दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देखा था. बहुत सारी डेथ हो रही थी, और पहले विश्व युद्ध में ज्यादा डेथ जो है वो बैटल फील्ड में हुई थी, लड़ाई लड़ते हुए थी. सेकेंड विश्व युद्ध में जो लड़ाई लड़ते हुए इतनी डेथ नहीं हुई थी जितना घर बैठे डेथ हो गई थी, क्योंकि बॉम्बिंग चल रही थी इसमें हवा से ज्यादा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली थोड़े से दिन बाद हुई थी, 1939 में हुई थी, तब तक टेक्नोलॉजी जो है और अच्छी हो गई थी, तो हवा से बॉम्ब गिराए जाते थे, घर में बैठे बैठे लोग मर जा रहे थे, टीवी देखते देखते लोग मर जा रहे थे, ठीक है. द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन. ऑब्वियसली लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, तो लोगों की सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, सोसाइटी पे भी इंपैक्ट आएगा, पॉलिटिक्स पे भी आएगा और इकोनॉमी पे भी आएगा. वास्ट पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड एशिया वर डिवास्टेटेड. एशिया पे भी आया था, यूरोप पे भी आया था, अमेरिका पे भी आया था. एरियल बॉम्बार्डमेंट, यानी कि हवा से गिरने वाले बॉम्ब्स की वजह से बहुत ज्यादा डेथ हुई थी. आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे. उसकी तो मतलब जापान में तो पुश्तों की भी जो पुश्तें आई थी उनमें भी उस एटॉमिक बॉम्ब्स के रिपरकॉशंस और प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी. तो डिस्ट्रक्शन वॉज वेरी लॉन्ग, वेरी क्रॉनिक, सो मेनी पीपल डाइड. पोस्ट वॉर पढ़ते हैं. टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस दैट शेप पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. ये भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है. वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद दो मेजर चीजें देखी गई. एक, यूएसए जो है सुपर पावर बन के निकला, इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, मिलिट्री टर्म्स में, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए का बोलबाला हो गया. दूसरा, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया भी एक डोमिनेंट कंट्री बन के निकला. आपने सुना होगा कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर वॉज वॉट, वर्ल्ड वॉर नंबर तीन तो नहीं हुई, लेकिन कई सारे सालों तक यूएसए और रशिया के बीच में पावर टसल रही, क्योंकि यूएसए भी एक पावरफुल कंट्री बन के निकला और रशिया भी पावरफुल कंट्री बन के निकला. आप देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ने साथ में लड़ी थी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रशिया ने, लेकिन बाद में सुपर पावर बनने का दोनों कंट्रीज में इतना चस्का था कि दोनों आपस में कोल्ड वॉर किया करते थे. गोली बारूद से लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहती थी. इट मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी. एक सेकेंड, हाँ, ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड. अब रशिया ने तो मतलब रशिया किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि रशिया ऐसे निकलेगा. आपने सोशलिज्म पढ़ा हुआ है ना क्लास 9th में, रशिया में अपनी इतनी इंटरनल प्रॉब्लम चलती थी, तो नोबडी थॉट कि यार जर्मनी की जगह रशिया जो इतना पावरफुल हो जाएगा और एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से वो दुनिया की एक सुपर पावर बन जाएगा जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा होगा ना. तो नोबडी हैड थॉट अबाउट इट.
अब जानते हैं कि कैसे दुनिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए अग्रसर प्रयास किया। इस प्रयास में भी आपको बायसेस दिखेंगे एंड आप ओपन माइंड से इन बायसेस को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि जितना इसमें लिखा है हम उतना पढ़ने की कोशिश करें। इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस रूट टू की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। इंटर वॉर का मतलब 1989 से 1939, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक का जो पीरियड था उसे बोला जाता है इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। यानी कि इस टाइम पे, इस थोड़े से टाइम पे 10-15 सालों में दुनिया ने क्या सीखा। पहला लेसन, पहली चीज जो दुनिया ने सीखी वो ये कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो बन रही है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आ रही थी और आ रही थी और आ रही थी, इंडिया में भी आ रही थी, ब्रिटेन में भी आ रही थी, जर्मनी में भी आ रही थी, हर जगह आ रही थी। तो दुनिया ने सीखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी दो चीजों पे बेस्ड है, मास प्रोडक्शन मास कंजम्पशन। ज्यादा प्रोड्यूस करो ज्यादा कंज्यूम करो, ज्यादा प्रोड्यूस करो ज्यादा कंज्यूम करो। आज भी यही चल रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। और दुनिया ने ये सीखा कि ये मास कंजम्पशन और मास प्रोडक्शन के लिए लोगों के पास स्टेबल इनकम होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने 7 साल तो बहुत अच्छी इनकम कमा ली, 7 साल के बाद तो आपके पास किस्त देने के भी पैसे नहीं है। तो स्टेबल इनकम होना जरूरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेडी एम्प्लॉयमेंट। और फुल और स्टेडी एम्प्लॉयमेंट कब होगी बच्चा? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, ना कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का कोई भरोसा नहीं। आज प्रॉफिट है लोगों को हायर कर लिया, कल प्रॉफिट नहीं है टाटा बाय बाय कर दिया। तो लोगों को ये बात समझ कि अगर सही में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनना है तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, है ना। देयरफॉर द गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। प्राइस भी कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, ट्रेड भी कंट्रोल करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तभी जाके आप जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनोगे। तो एक तो ये लेसन सीखा दुनिया ने। दूसरा लेसन सीखा कि इंटर वॉर इकोनॉमी वॉज रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता, नो ह्यूमन इज एन आइलैंड। ये एक इंग्लिश का मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि अकेले आप जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते, किसी ना किसी चीज के लिए आपको बाकी लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। द सेम गोज फॉर कंट्री ऑल्सो। हो सकता है कि आपके देश में बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं, तेल कम पड़ सकता है, पानी कम पड़ सकता है, गोल्ड कम पड़ सकता है। तो हर कंट्री को बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बना के रखने पड़ेंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी आपको और अच्छे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाकी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी, गुड्स कैपिटल और लेबर को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो सब कुछ आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो भाई मार्केट, बोला जाता है ना इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट ऊपर गया तो फायदा, मार्केट नीचे गया तो नुकसान। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमी में। वन सेकेंड, मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज टू प्रिजर्व द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अब दुनिया चाह रही थी कि दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, अमेरिका जैसा हाल ना हो कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इकोनॉमिक डिप्रेशन कभी मास प्रोडक्शन, ऐसा ना हो। इंडस्ट्रियल जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग खुश रहें, लोग खुश रहेंगे तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। इसके लिए इन्होंने बनाए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का नाम ब्रेटन वुड क्यों है? क्योंकि एक मीटिंग की गई थी बच्चा ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पे, जो न्यू हैम्पशायर यूएसए में पड़ता है। ये मीटिंग की गई थी जुलाई 1944 में। अगर आपको पता हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग्स ऑफ नेशन बनाया गया था। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद लीग्स ऑफ नेशन बनाया गया था, जिसे यूनाइटेड नेशन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। लीग्स ऑफ नेशन का काम था ये पता लगाना कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। लीग्स ऑफ नेशन ऑब्वियसली फेल कर गई क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर नंबर टू हुई। वर्ल्ड वॉर नंबर टू के बाद बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की ही एक मीटिंग हुई थी जिसका मीटिंग का नाम था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये मीटिंग हुई थी जुलाई 1944 में और इसमें बनाए गए थे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। एक्चुअली बोल तो यही रहे थे, लाए कि नहीं लाए आप खुद डिसाइड करना। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में दो चीजें आती हैं, एक आता है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक आता है वर्ल्ड बैंक। दोनों को टुगेदर बोला जाता है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातचीत हुई थी ब्रेटन वुड की मीटिंग में जो यूएसए में हुई थी, ठीक है। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं।
The Bretton Woods Conference established International Monetary Fund to deal with the external surplus and deficits of its member nation. तो जो भी लोग United Nations का participant थे वो Bretton Woods Institution के भी member बन गए. IMF का काम था International Monetary Fund. International मतलब बाकी देशों के लिए, यानी कि सबके लिए. Monetary मतलब पैसे से related. Fund मतलब कि पैसा जो बचा हुआ है, जो saving का पैसा है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा फंड था जो उन देशों के लिए बनाया गया था जिन्हें वर्ल्ड वॉर के बाद अपने पैर पे खड़ा होने के लिए थोड़ा सा लोन वगैरह चाहिए था. ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे प्यार से वर्ल्ड बैंक बोला जाता है. क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. वर्ल्ड बैंक बनाया गया था ताकि आपको अगर लोन्स चाहिए अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए तो आपको वो लोन्स मिल सके. तो दोनों का ही, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में आने वाले दोनों ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि दुनिया पोस्ट वॉर एरा में अपने आप को अपने पैर पे खड़ा कर सके. साथ में इसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है कभी कभी. पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्रेटन वुड सिस्टम. तो 1944 के बाद की दुनिया को कभी कभी ब्रेटन वुड सिस्टम भी इसीलिए बोल दिया जाता है. तो IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी कि ब्रेटन वुड ट्विंस ने अपने ऑपरेशंस 1947 से करने चालू कर दिए थे. इंडिया ऑब्वियसली मेंबर था इसमें, लेकिन ये भी थोड़ी सी बायस्ड इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं. आपने देखा कि इनकी स्थापना भी USA में की गई थी, मतलब इनके बारे में बातचीत भी ब्रेटन वुड्स यानी कि न्यू हैम्पशायर USA में की गई थी. तो ऐसा लांछन इन पे लगता रहता है आए दिन कि ब्रेटन वुड ट्विंस जो हैं डेवलप्ड नेशंस को ज़्यादा फोकस करते हैं, डेवलपिंग नेशंस पे कम फोकस करते हैं. यूएसए में, यूएसए की IMF और वर्ल्ड बैंक में वीटो पावर है, मतलब कि आप कोई भी डिसीजन लो यूएसए उसे रिवर्स कर सकता है. फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, एक तरीके से वीटो पावर जो है वो यूएसए के पास है. और दिस इज अ वेरी वेरी बायस्ड थिंग. जब आप पूरी दुनिया को इक्वल बनाना चाहते हो, पूरी दुनिया को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो एक देश के पास वीटो पावर किस बात के लिए है ये दुनिया आज तक पता ही नहीं लगा पा रही है. ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अ सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम. एक सेकेंड, अच्छा, दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलती है उसके बेसिक्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में. कुछ नहीं आएगा इसमें से समझ, सर के ऊपर से निकलेगा क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट मैं करने की कोशिश करूंगी. देखो, दुनिया चलती है कंपैरिजन पे, दुनिया चलती है कंपैरिजन पे. जब तक हम ये नहीं बोलते हैं कि एक इंसान अच्छा है, हम एक इंसान को अच्छा कैसे बोलते हैं, जब हम एक इंसान को बुरा बनाते हैं. सारी दुनिया कंपैरिजन पे, अच्छा मतलब बुरा एग्जिस्ट करेगा तो अच्छा एग्जिस्ट करेगा, गरीब एग्जिस्ट करेगा तो अमीर एग्जिस्ट करेगा. बहुत डीप बात बता रही हूँ मैं. तो दुनिया चलती है कंपैरिजन पे. हम दुनिया के सारे करेंसीज का कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन किसके अगेंस्ट करते हैं? यूएस डॉलर के अगेंस्ट करते हैं. यूएस डॉलर ही क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर नंबर वन, वर्ल्ड वॉर नंबर टू, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उन सब में सबसे स्टेबल करेंसी रही है, मतलब कि जिसके प्राइसेस सबसे कम ऊपर नीचे गए हैं वो है यूएस डॉलर. तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैसे की वैल्यू, अगर आपने अभी न्यूज देखी हो करंटली, तो बहुत ज्यादा चल रही है. मतलब पैसे 80 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू $1, विच इज मतलब पैसे की वैल्यू बहुत घट गई है, बहुत घट गई है ना. तो एक करेंसी की वैल्यू यूएसए के डॉलर से कंपेयर करके निकाली जाती है. अब जो ये ब्रेटन वुड सिस्टम चला था, ये इसी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पे चला था जो करेंसीज को कंपेयर करती थी. अब पहले चलता था दुनिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब कि अगर आपका 80 इंडियन रुपी इज इक्वल टू $1, तो वो 80 इंडियन रुपी $1 ही रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा एक्सचेंज रेट. लेकिन बाद में धीरे 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 जो डेवलपमेंट हुई 1970s, 1980s, 1990s, 2000s, जो अभी भी डेवलपमेंट चल रही है, अब जो ग्लोबल मार्केट है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से बचा किसकी तरफ चला गया है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ. आपने बातें सुनी होंगी, शेयर में इन्वेस्ट किया करो, शेयर में थोड़ा सा घाटा हो गया, अरे मैंने जो स्टॉक खरीदे थे उनमें लॉस हो गया, मैंने जो स्टॉक खरीदे थे उसमें प्रॉफिट हो गया. आपने कोई चीज खरीदी थी उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे हो सकता है? वो आपने तो कुछ पर्टिकुलर पैसे देके खरीदी होगी ना. प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है अब मार्केट पे. तो पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था, एक पैसे की जो वैल्यू है यूएस डॉलर के अगेंस्ट वो फिक्स रहती थी, लेकिन अब सब कुछ मार्केट डिपेंडेंट होता है. मार्केट डिसाइड करेगा कि किसी करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के प्रति ज्यादा होगी कि होगी. तो क्योंकि इंडिया का मार्केट डाउन चल रहा है कोरोना के बाद से, इसीलिए हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो घट गई है यूएस डॉलर के अगेंस्ट. पहले अगर 70 इंडियन रुपीस एक डॉलर बनाया करते थे, तो अब 80 इंडियन रुपीस यूएस डॉलर बना रहे हैं. तो दिस इज मनी की वैल्यू जो है, करेंसी वैल्यू घट गई है. दिस इज फ्लोटिंग एक्सचेंज, घटती बढ़ती रहती है. ठीक है,
और इसको आप एंकर कर देते हो गोल्ड के साथ। और इंटरनेशनल सिस्टम कभी डीप में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि पैसे को एंकर किया जाता है गोल्ड के साथ, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से हमने बात सीखी थी कि पैसा ऊपर नीचे जब जाएगा, जब करेंसी ऊपर नीचे जाएगी तो कोई एक और ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जो मार्केट को स्टेबलाइज कर पाए, तो आप उसे एंकर कर देते हो, दोनों को साथ में वैल्यू को जोड़ देते हो। इसीलिए आप अपने पेरेंट्स को देखते भी होगे, जब उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो कभी कभी गोल्ड भी खरीदते हैं, बिकॉज गोल्ड इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो इतना ही समझो, इससे ऊपर समझने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स में। तो भाई जब वॉर खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बन गए 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड सिस्टम ने इनॉग्रेट किया एक ऐसा एरा जहां पे ट्रेड में ग्रोथ हो रही है, इनकम बहती जा रही है, लोग लोन ले रहे हैं, लोग लोन लेके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना रहे हैं, जापान फ्लरिश कर रहा है, चाइना फ्लरिश कर रहा है, अमेरिका तो फ्लरिश कर ही रहा है, यूरोप भी फ्लरिश कर रहा है धीरे धीरे। तो 1950 से 1970 का वो समय था जब दुनिया सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे दे रही थी। दुनिया अगर 8% की एनुअल ग्रोथ रखती थी तो अब जो है वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली एट ओवर 8% एंड इनकम एट नियरली 5%। लोगों की एनुअल ग्रोथ रेट ट्रेड के टर्म्स में भी बढ़ रही थी कंट्रीज की, और लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस अब लड़ाई झगड़ा और पॉलिटिक्स नहीं था, पूरी दुनिया का फोकस था रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इकोनॉमिकली हम थोड़ा बढ़िया कर ले, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। ग्रोथ रेट वॉज मोस्टली स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन। अब जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरह फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था, कभी अच्छा कभी बुरा, अब जो है थोड़ा सा स्टेबल चल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता जा रहा था धीरे धीरे, और जो लोग एम्प्लॉय हो रहे थे उनको पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रीज में भी हो रहा था, सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा था। दुनिया जो है रिकंस्ट्रक्शन एरा की तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ रही थी। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था तो रिकवरी स्लो हो रही थी, लेकिन स्लो एंड स्टेडी दुनिया रिकवरी कर रही थी। डेवलपिंग कंट्रीज वर इन अ हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री। ऑब्वियसली हमारे जैसे देश जो 1947 में तो आजाद हुए, 1947 से ब्रेटन वुड ट्विंस ने काम करना शुरू किया, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, हमारे देश जैसे देश को जल्दी मची हुई थी, और मचनी भी चाहिए थी ना, इतने सालों से तो हम पे राज कर रहे थे, अभी तो हमें अपना देश मिला है, अब देश मिला है तो हमें कैचअप भी तो करना है ना। मैं एक महीना स्कूल ना जाऊं, एक महीने के बाद तुम टेस्ट लग दो, तो मेरे को भी तो जल्दी होगी ना कि मैं जल्दी से सिलेबस खत्म करूं। सिमिलरली डेवलपिंग नेशंस जिन्होंने अभी अभी अपने कॉलोनाइजर्स से पीछा छुटवाया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था, वो देश जो है थोड़ा सा हरी में थे, और उन्हें लग रहा था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर हमें मिल जाए हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे फार्म्स में, हमारी एग्रीकल्चर में, तो हम भी जो है डेवलप नेशंस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि ब्रेटन वुड ट्विंस बायस्ड थे, दे ही नहीं रहते पैसा। एनीवे, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म जरूर हो गई थी, लेकिन अभी भी भारत जैसे कई सारे देश जो हैं बाकी यूरोपियन देशों के तले दबे हुए थे। तो अगले 20 साल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगले 20 साल, तो एशिया और अफ्रीका के कई सारे देशों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। हाउएवर दे वर ओवर बर्डन बाय पॉवर्टी एंड अ लैक ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन आज़ादी तो मिल गई, लेकिन गरीबी से अभी भी हम जूझ रहे थे। गरीबी थी, हंगर था, खाने को नहीं था, देश को लूटपाट करके अंग्रेज जो है लेके चले गए थे, देश जो है एक तरीके से हैंडीकैप होके रह गया था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। और अब हमें पैसा चाहिए था, और पैसा कौन देने वाला था? IMF और वर्ल्ड बैंक। बनाया तो IMF और वर्ल्ड बैंक को इसलिए गया था ना कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज की जरूरतों को पूरा कर सको, अब उन्हें इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए बनाया गया था, उन्हें डेवलपिंग नेशंस के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसी कंट्रीज जिनकी हालत उनसे, इंडस्ट्रियल कंट्रीज की हालत तो फिर भी ठीक थी, वो तो जहां थे वहां से आगे जाना चाहते थे, इंडिया तो और पीछे था, बहुत पीछे चल रहे थे हम। तो ब्रेटन वुड सिस्टम्स को समझ ही नहीं आया कि डेवलपिंग नेशंस के चैलेंजेस को कैसे केटर करें, कैसे उन्हें रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करें। पर जैसे जैसे यूरोप और जापान रैपिडली अपनी इकोनॉमीज को बिल्ड कर रहे थे, वैसे वैसे दुनिया जो है IMF और वर्ल्ड बैंक पे कम और कम डिपेंडेंट होती गई। तो लेट 1950s में दीज इंस्टीट्यूशन बिगेन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो मतलब इन्हें समझ आया, इन्हें बनाया तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए गया था, इंडस्ट्रियल कंट्रीज में इंडिया उस जमाने में नहीं आता था, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, यूएसए, सॉरी सेम ही बात है, ब्रिटेन, ये सारे कंट्रीज आया करते थे। तो उन्हें लगा कि यार ये तो अपना देख ही ले रहे हैं, ये अपना ठीक कर ले रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है, ये अपने आपको रिकंस्ट्रक्ट खुद ही कर ले रहे हैं, जापान भी कर ले रहा है, चाइना भी अपना कुछ कर रहा है। अब इंडिया जैसे, बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान जैसे, सिंगापुर जैसे, इन देशों पे ध्यान दिया जा सकता है ना। तो फिर IMF ने 1950s में, IMF ने 1958 में जाके कहीं IMF और ब्रेटन वुड्स ने इंडिया जैसे कंट्रीज पे ध्यान देने की शुरुआत की। तब तक हम बैठे हुए थे कि अभी कोई मदद करेगा, अभी कोई मदद करेगा, अभी हम आजाद हुए हैं, हमारी मदद तो कर दो, हम अपने पैरों पर खड़ा कैसे हों, है ना। एज कॉलोनीज मेनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न
empires. Ironically, after independence, facing urgent pressures to lift their populations out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial powers. Irony देखिए आप, irony देखिए, हमने जिन लोगों से आजादी पाई थी उन्हीं लोगों से डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें मदद मांगनी पड़ रही थी. यूएसए और यूके कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट थोड़ी है, दोनों ही कॉलोनाइजर्स रहे हैं दुनिया में. तो ये आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक किन्हें देता है ज्यादा इंपॉर्टेंस? यूएसए यूके जैसे देशों को. तो हमने इन्हीं जैसे देशों से, डेवलपिंग नेशंस ने इन्हीं जैसे देशों से आजादी पाई थी और फिर से हमें किसी ना किसी फॉर्म में इन पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा था क्योंकि हालत ही इतनी खराब कर दी थी इन लोगों ने इतने सारे सालों में राज करके हम पे, है ना. इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, इतने सारे सालों तक इन्होंने हम पे राज किया और जब फाइनली हमने आज़ादी ली तो भी इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को खाली नहीं छोड़ा था. पता है हमें आज़ादी देने के बाद भी कितना सारा हमारे मिनरल्स थे, हमारी माइंस थी जो हमारी कॉलोनीज कंट्रोल कर रही थी. और हमारे जैसे बाकी डेवलपिंग नेशंस में भी कॉलोनाइजर्स उनके अभी पूरी तरीके से पीछा छोड़ के गए नहीं थे. तो हमें उस बात की भी लड़ाई लड़नी थी कि हमें कम से कम अच्छी तरीके से तो आज़ादी दे दो, प्रिटेंड क्यों कर रहे हो आज़ादी देने का. Large corporations of powerful countries such as US often manage to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply. US जैसे देश अपनी चालाकी दिखा के इंडिया के resources को इस्तेमाल करने के लिए नए नए पैतरे निकाल पा रहे थे. हमें समझ नहीं आ रहा था हम देखें किस तरफ, हम अपनी हंगर संभालें, पावर्टी संभालें कि ये नए नए प्लान्स को इनके एग्जीक्यूट होने से बचाएं. एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स. As most of the developing countries weren't getting any benefits, हमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो मिल नहीं रहा था IMF और World Bank से. Western economies जो है हम पे अभी भी दबाव बना रही थी. तो 1950s में हमें ये बात समझ आई कि हम डेवलपिंग देश हैं. डेवलपिंग देश अगर अपना ख्याल खुद नहीं रखेगा तो फिर कोई और डेवलप देश उसका ख्याल नहीं रखेगा. इसीलिए हमने अपनी organizations बनानी शुरू की. आपने नाम सुना होगा BRICS, BRICS ग्रुप ऑफ 77, सार्क, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्टिसिपेंट है इंडिया और इंडिया जैसे अलग और डेवलपिंग नेशंस. ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई थी? क्योंकि डेवलप ऑर्गेनाइजेशंस तो वैसे भी हम पे ध्यान कम दे रही थी. तो ग्रुप ऑफ G77, यानी कि G77 एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन थी जो डेवलपिंग नेशंस ने न्यू के लिए बनाई थी, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. जो ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया में चल रहा था जिसमें डेवलप नेशंस को ज़्यादा फायदा था, डेवलपिंग को कम था, हम इससे छुटकारा पाना चाहते थे, हम दुनिया में ज़्यादा इक्वालिटी लाना चाहते थे, इसलिए G77 जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. फ्रॉम 1960s द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द US फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. द US डॉलर कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू रिलेटेड टू गोल्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आ गए. फायदा तब हुआ जब फिक्स्ड इकोनॉमिक एक्सचेंज से मार्केट में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया. भाई जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, मान लो अगर इंडिया की इकोनॉमी, मान लो अगर इंडिया के 50 रुपए का मतलब US का $1 हुआ करता था तो वो फिक्स था. अब इंडिया उसमें प्रोग्रेस भी करे या प्रोग्रेस ना भी करे तो वो फिक्स्ड है ना. तो हमारे प्रोग्रेस करने के चांसेस तो आप रोक रहे हो ना यहाँ पे, वो 50 पे अटका हुआ है. लेकिन जब मार्केट पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो गई धीरे धीरे करके, दुनिया की इकोनॉमी ऐसे शेप अप हुई, तो हमने जब प्रोग्रेस की तो हमारी US डॉलर के प्रति हमारी जो वैल्यू थी वो बढ़ती भी रह रही थी. ठीक है, अभी डाउन चल रही है, 80 पे आ गए हम, लेकिन वो बढ़ी भी थी. ठीक है, बहुत सारे सालों तक बढ़ी थी. तो एक्सचेंज रेट जो है फिक्स से फ्लोटिंग हो गया था. जल्दी से सम अप करते हैं बच्चा, पोस्ट वॉर इकोनॉमी में क्या हुआ. पोस्ट वॉर इकोनॉमी में दुनिया को दो बातें समझ आई कि फुल एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए. फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी. दूसरी बात हमें समझ आई कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना दुनिया में बहुत जरूरी है. इसके लिए हमने ब्रेटन वुड ट्विंस खोले जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक खोला. वर्ल्ड बैंक और IMF में अमेरिका के पास वीटो पावर है तो वो ऑलरेडी बायस हैं, डेवलप नेशंस को ज़्यादा फायदा देते हैं, डेवलपिंग को कम. IMF और वर्ल्ड बैंक खोले गए थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए. इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस जब ये IMF खोले गए थे और वर्ल्ड बैंक खोला गया था तब ऑलरेडी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर दबे हुए थे. जब इंडिया जैसे देशों को आज़ादी मिली तो हमें लगा था कि हम पे भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक अभी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ही प्रमोट कर रहे थे. डेवलपिंग नेशंस के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए उनके पास नॉलेज ही नहीं थी. धीरे धीरे करके उन्होंने हम पे ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उसमें भी वेस्टर्न इकोनॉमीज जो है अपना ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा हम पे डोमिनेट करने की कोशिश करती थी. फायदा हमारा तब हुआ जब दुनिया जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ चली तो गेम जो है थोड़ी सी फेयर हो गई. यूएसए की जो हेजमनी है, यूएसए का जो डोमिनेशन है US डॉलर का, वो थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हो गया. अब हम पढ़ेंगे न्यू यानी कि G77 बनाया गया था न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए.
अ सिस्टम दैट वुड गिव डेवलपिंग नेशंस रियल कंट्रोल. नियो की वजह से डेवलपिंग नेशंस को अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे खुद का कंट्रोल मिला. उनके रॉ मटेरियल के लिए अच्छे प्राइसेस नहीं देते थे, डेवलप्ड नेशंस सस्ते दाम में हमारे रॉ मटेरियल्स खरीदते थे. तो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर हमने इसलिए भी बनाया था कि हमारे रॉ मटेरियल के हमें अच्छे प्राइसेस मिले. बहुत ही बड़ा चैप्टर है. Mid-1970s change in the international financial system. पहले क्या होता था कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते थे कि भाई हमें लोन दे दो, हमें डेवलपमेंट के लिए पैसे दे दो. आप डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दोगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे. अब जो है उन्हें वेस्टर्न कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ रहा था. अब जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उनसे हार मान ली थी कि आप तो वैसे भी हमारा फायदा नहीं करने वाले हो, हमें ये बात समझ आ गई है. अब वो जाते थे बड़े बड़े बैंक के पास. आप अपनी कंट्री में भी देखते हो HSBC, HDFC ऐसे बड़े बड़े बैंक आपको देखने को मिलते हैं जो हमारे इंडिया के एक्चुअली हैं भी नहीं, हमारे इंडिया में ऑफिस खोले बैठे हैं. तो ऐसे बड़े बड़े वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से डेवलपिंग नेशंस लेने लग गए लोन. और ये वेस्टर्न कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ये वेस्टर्न कमर्शियल बैंक मार्केट ओरिएंटेड होते हैं. तो जब मार्केट में जहां ये फायदा देंगे वहां पे लोन देंगे, ये अपने बायसेस या डिस्क्रिमिनेशन बीच में नहीं लाएंगे. दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. लेकिन ये हैं तो आके डेवलप नेशंस के, तो क्योंकि ये बैंक हैं डेवलप नेशंस के तो एक तरीके से हमारी डिपेंडेंसी अभी भी डेवलप नेशंस पे बनी हुई थी. किसी ना किसी तरीके के डेवलप नेशंस हमारे देश में इंटरफेयर कर रहे थे. गरीबी अभी भी डेवलपिंग नेशंस में ज्यों की त्यों बनी हुई थी. आज़ादी तो पाली थी लेकिन गरीबी नहीं हट रही थी. तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर भी, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 1970s 1980s में अनएम्प्लॉयमेंट का दौर देखने को मिला. 1970 से मल्टीनेशनल कंपनीज ने प्रोडक्शन जब ऑपरेट करने शुरू किए, ग्लोबलाइजेशन की बागडोर अपने हाथ में ली, मल्टीनेशनल कंपनीज ने मार्केट को चलाना शुरू किया, तब जो है एशियन कंट्रीज में जाके थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट आया. यहाँ पे हम पढ़ेंगे चाइना का एग्जाम्पल, कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से चाइना को हुआ फायदा. आज आप जो सामान देखते हो अपने आसपास उसमें मोस्टली सामान पे लिखा होता है मेड इन चाइना. आपके आईफोन्स तक चाइना में बनते हैं, आपके सैमसंग के फोन तक चाइना में बनते हैं. ऐसा कहाँ से हुआ, चाइना को इतना फायदा हुआ कैसे, चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है या बनने के लिए काम कर रहा है यहाँ तक आया कैसे, क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो कंट्रोल कर रहा था ट्रेड. लेट्स स्टडी 1949 में. अच्छा, जब हम आज़ाद हुए थे तो इंडिया और चाइना की हालत जो है एक जैसी हुआ करती थी, चाइना कोई हमसे बहुत आगे नहीं था. लेकिन 1949 ने चाइना ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी से कट ऑफ कर लिया. उसने बोला मुझे बाकी लोगों से बात ही नहीं करनी है, अभी तुम लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हो, हमारे देश का तुम फायदा देखते नहीं हो, हमें तुमसे बात करनी नहीं है. बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इन टू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी. लेकिन बाकी दुनिया की पॉलिटिक्स ऐसी चल रही थी कि चाइना को फिर से पॉलिटिक्स में एंटर करना पड़ा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़े, क्योंकि रशिया जो है कोलैप्स कर गया. रशिया जब कोलैप्स कर गया, रशिया एज एन यूएसएसआर जब कोलैप्स कर गया और ईस्टर्न यूरोप में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए जो आपकी बुक में दिए नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि चाइना का मन नहीं था वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमी के बाद में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उसे मजबूरी में करना पड़ा. आप जो आसपास का सामान देखते हो वो चाइना में बनना शुरू हो गया. चाइना ने एक मॉडल निकाला जिसमें उसने बोला कि हम ज्यादा काम करेंगे कम पैसे पे. सिंपल, विल डू मोर वर्क ऑन लेस मनी. हमारा लेबर हो जाएगा बिल्कुल सस्ता. चाइनीज इकोनॉमी का ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अपना सामान बनवाने के लिए चाइना ले गई. आज भी आपका जो मेजोरिटी सामान है वो चाइना में इसलिए बनता है क्योंकि वो लोग काम ज़्यादा करते हैं, पैसे कम लेते हैं, तो लेबर वहाँ पे कम है. लेकिन लेबर वो लोग इतना ज़्यादा करते हैं कि उन्हें ओवरऑल पैसा जो है मिल जाता है. पिछले 2-3 दशकों में दुनिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इतनी बढ़िया तरीके से चेंज हुई है कि चाइना जैसे, इंडिया जैसे, ब्राज़ील जैसे देश जो है वहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया है. किसी ने नहीं सोचा था कि 1947 में आज़ाद होने वाला भारत जैसा देश जहाँ इतनी गरीबी थी, इतनी भुखमरी थी कि पूछो मत, हमें लगा भी नहीं था कि हम बहुत साल आज़ाद रह पाएंगे, वो देश दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में काउंट होगा. लेकिन हमने ये करके दिखाया है. और चाइना के मॉडल से भी कई सारे लोगों को सीखना चाहिए कि ये जो उन्होंने मॉडल निकाला था लो वेज पे काम करने वाला, इससे मल्टीनेशनल कंपनी से चाइना को इतना फायदा हुआ है कि वो सुपर पावर बन रहा है. तो ऐसे ही कुछ रेवोल्यूशनरी मॉडल्स की सारी डेवलपिंग नेशंस को जरूरत है. और जब तक ये मॉडल्स नहीं आते हैं तब तक दुनिया जो है फेयर नहीं होगी, ऊंच नीच का भेदभाव बना रहेगा. सो दिस वॉज ऑल. और इससे पहले कि मैं ये लेक्चर देते देते यहीं पर बेहोश हो जाऊँ, लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर हियर. योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड आई होप यू एंजॉय दिस एज मच एज आई डिड. एंड आई एम सो ग्लैड वी कुड कम्प्लीट दिस चैप्टर इन वन शॉट. इसकी फ्री PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर लास्ट तक ये लेक्चर देख रहे हो आप तो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चा. क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन दो, रुको सोचने दो. व्हाट इज एल्डोराडो? एल्डोराडो क्या है उसका आंसर मुझे दे देना. ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है. सो आई सी